ईऑन में कोई पता नहीं है बॉयज के पीछे क्या सीन है व्हाट्स योर बैकग्राउंड पॉलिटिक्स में तो नशा भी है ना कि आप जितना मर्सी पैसे है? होते हैं हेरोइन होती है कोकेन होती है सर को पावर भी, भाव... भी नशा है में भाव। में भाव। कोकेन नहीं की भी सर डोंट थिंक ऑफ द वर्ड इल्यूमिनाटी डोंट थिंक ऑफ द वर्ड फ्रीमेसंस व्हाई इज इट दैट द वे झांगली तरीन अलीम खान मलिक राइज बिजनेस इज सेट अप दैट इज लिंक्ड विद द गवर्नमेंट जेडकेटी ने दौलत कैसे कमाई वो तो बाद में कमाई ना कैसे कमाई मैं पूछता हूं

<laughs> के माथे पे क्या yeah. है भाई क्या hmm. बात कर रहे हो तो हाउ कैन डेमोक्रेसी वर्क इन दिस कंट्री सो इन पाकिस्तान व्हाट डू यू डू व्हाट डू यू सेल देम इनिशियली वी वर सोल्ड ए वर्जन ऑफ इस्लाम टू बी ऑनेस्ट अगर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बने हैं और आप मुझे ये चुरम चतर साल से बेच रहे हैं तो इस्लाम तो नाफज कर <laughs> नहीं फिर आपके लिबरल्स कहेंगे ये तो क्या तालिबान आप लाना चाहते हैं ये? वो कैमरा मेरे हाँ. जी लाना चाहते हैं <laughs> पूरी दुनिया ने बेचा चूरन नेशनलिज्म का हम आपको कह रहे हैं कि कोई चूरन ना बेचो इस्लाम दो और इस्लाम ये भी नहीं है सरतन से जुदा इस्लाम एक फिलोसफी इस्लाम एक जिंदगी का तरीका एक मीशत का तरीका है इसको समझे इंजीनियर मैं समझता हूँ कि सर फहरिस्त है और अल्लाह उनके अच्छे कामों की उनको अजर बैठते क्यों नहीं लोगों के साथ मार देंगे इसलिए महरब के सही आइडिया साउंड रिडिकुलस जब वो कहता है वो कहती है आपके लिए कहती है मेरे लिए कहता है तो ये डेढ़ सौ साल का एक प्रोसेस मैकेनिज्म है इसमें बहुत मुश्किल आते हैं बहुत दुख है फलस्तन की जो वीडियो उठाते हैं बहुत दुख होता है पाकिस्तान उसके बारे में कुछ कर नहीं रहा हालांकि हमारे पास तो इस्लामिक बॉम्ब भी है जब आप हूँ गुंडे इलाके के और आपको मिले भत्ता जंगे लड़ने के लिए तो बम फिर आप मारते हैं यमन जितने लोग इकतीस पे पार्टी करने को निकलते हैं उससे ज्यादा लोग घर पे बैठ के दुआ कर रहे होते हैं फलस्तीन के लिए जो काम मैं कह रहा हूं मुश्किल है मुश्किल काम पे चलते हुए सबकी फाट फुट जाती है ईन में बहुत से लोग कहते हैं ये बड़ा ना खास एजेंडा से बॉयज आ रहे हैं कोई पता नहीं है बॉयज के पीछे क्या सीन है क्या लेट्स जस्ट एक्चुअली जस्ट स्टार्ट विद विद्स योर बैकग्राउंड यार ऑनेस्टली मै और अमान भाई हैं, हैं।, हैं। ठीक है और, और हैदर जो हमारे साथ तीसरा लड़का है वो अमान का बैचमेट है स्कूल का हमारा दोस्त है बचपन का बहुत नाइस आदमी अंकल इज योर फादर भाईजन वाले साहब बेसिक हैं बेसिकली क्या कहते हैं वो तो घर में भी कूल इजी cool, मतलब है हाँ, नहीं एक्चुअली अल्लाह की बहुत मेहरबानी थी कि हमारे वाल साहब बचपन से हमारे दोस्त थे और बहुत वो हमारे मैं उनको वाल नहीं कहता भाईजन कहता हूँ उसकी वजह है कि वो सबसे पहले मेरे उस्ताद थे और उन्होंने मुझे ज़िंदगी भी सिखाई कारोबार भी सिखाया गुफ्तु का तरीका भी सिखाया और सोचने का भी तरीका सिखाया कि आपने हर मौक़ को सुनना है एक सब्र पैदा किया आपके अंदर तो वो हमारे लिए हर चीज़ है तो ये हमने शुरू इसलिए किया था अब पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई है मैं में से पढ़ा हाँ मैं पढ़ाऊँ मैंने आ, वो हैं ए... हैं जो कंट्रोल करते पाकिस्तान देखिए बात ये है कि ये बातें <laughs> की नहीं जाती <laughs> नज़र लग जाती है असल में बात ये है कि मैं एटसन से पढ़ा नाइनटीन में मेरा दाखिला हुआ था सन दो में मैं ग्रेजुएट हुआ था और मैंने ए लेवस बेल पास किया था मैं नालायक नहीं था लेकिन मुझे पढ़ने का शौक नहीं था मुझे खेलने का शौक था मैं स्विमिंग करता था नेशनल लेवल पे की इसको मैंने किक बॉक्सिंग की काफ़ी हाई लेवल पे और मुझे था कि मैंने स्पोर्ट्स में कुछ करना है जिम खोलना है ये करना है वो करना है स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स करने हैं इस तरह की चीज़ें शुरू से प्रॉपर्टी और रियल स्टेट में थी आपकी हमारे दादा जो थे वो फ़ौज में थे क्योंकि जिस इलाके से हम गुजर खान के वहाँ पे या रेलवे है या फौज है और प्री पार्टीशन ऑफ फौज में थे वो जंगे जीम धूम में वर्ल्ड वॉर टू में लड़े थे हमारे नाना भी जैसो उनके और हमारे दादा नाना एक गाँव साथ थे जबर और टकाल तो उनकी आखिरी पोस्टिंग थी लाहौर में तो उन्होंने डिसाइड किया कि बच्चों की एजुकेशन के हवाले से ये बेहतर है तो यहाँ सेटल हो जाते हैं हमारे नारायण डिसाइड किया पिंडी बेहतर है तो हम जो हमारा अम्मी अब भाई जगह ससुराल तो पिंडी है समझदार लोग हैं ना क्या कह सकते हैं क्या कह सकते हैं ठीक है तो हमारे वाले साहब पढ़े थे आई बिलीव कोई क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल था लाहौर में अच्छा उसका नाम मुझे भूल रहा है अभी अंदरून वाली साइड पे था वहाँ से और हमारे ताया पढ़े थे लॉरेंस कॉलेज से तो दादा को बहुत शौक था पढ़ने लिखने का क्योंकि जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनके उन्होंने पढ़ने लिखने का निज़ाम बहुत पुश किया था अपने यंग ऑफिसर्स में तो हमारी सारी फुपुएँ हमारे मामू सब पढ़े लिखे हैं डॉक्टर हैं मास्टर्स किए हुए हैं कुछ ने पी एच डी किए हुए हैं तो एक अजीब सी हमारी फैमिली थी हम बहुत कंजर्वेटिव थे लेकिन सब ने पढ़ना है सब ने नौकरियाँ काम करनी है हमारे वालिद साहब हमारे तरह कमज़ोर थे तालीम में और हमारे दादा को बड़ा सबसे छोटे थे लाडले बहुत थे तो हमारे दादा को डर था कि पता नहीं क्या करेंगे तो उन्होंने ताया के पास भेज दिया जो कराची में थे तो उन्होंने वहाँ वीडियो स्टोर बनाया कि जी वीडियोज़ के रेंट का बहुत काम होता है तो ताया हमारे फौज से रिटायरमेंट ली थी उन्होंने वो मेजरी में थे तो वीडियो स्टोर बनाया उस जमाने में वीडियोज़ रेंट होती थी बड़ी बड़ी कार्टेजेज होती थी तो उनके पास एक बंदा आता था वो दस दस काटेज ले जाता था उससे ये क्या करता है उसने बताया कि वह प्रॉपर्टी का काम होता है प्रॉपर्टी का क्या काम होता है सेवेंटीज़ की बात है कराची में तो उन्होंने नक्शा समझाया कि प्लॉट होते हैं ये होता है वो होते हैं तो हर वीडियो स्टोर की बैक के ऊपर ना एक वीडियो सर्विसिंग शॉप होती थी अक्सर वी सियास को रिवाइंडिंग होती थी तो उन्होंने वो बंद की व नक्शे वगैरह रखे वीडियो स्टोर तो बंद हो गया प्रॉपर्टी का काम चल पड़ा प्रॉपर्टी का काम सेवेंटीज़ में एटीज़ में और नाइन्टीज़ में और अर्ली टू में डिफरेंट था इट वॉज़ ट्रांजेक्शन ऑफ रियल इस्टेट के यार ये मेरा गुलबर्ग का प्लाट है ये बेचते हैं ये और उस पर सर्विस चार्ज वन होती थी लेकिन वो वन परसेंट बड़ी अमाउंट होती थी और उस ज़माने में महंगाई इतनी नहीं होती थी सेविंग्स बहुत होती थी जॉइंट फैमिली सिस्टम्स थे तो इन्होंने अच्छे खासे पैसे अक्रू कर लिए उसके बाद फिर एक प्रॉपर्टी भूम आया और ज़ाहिर जो तीस साल से बैठा उसको एडवांटेज मिलना ही मिलना मैं जब स्कूल से फ़ारग हुआ तो मेरे वाल साहब ने देखा यार ये तो वापडा के अंदर मुझे वापडा में भर्ती मिली हुई थी लाइनमैन की क्योंकि मैं वापडा के लिए स्विमिंग करता था तो वहाँ भी मिलता था तीन हज़ार रुपये और मेडल जीतने का मिलता था दो हज़ार तीन हज़ार और पाँच हज़ार सिल्वर गोल्ड का तो सीज़न में पचास साठ सत्तर हज़ार हो जाता था और उसी में वापडा ने खाना पीना ये वो देना और वापडा में मैं अनॉर्मली होता था कि ये इंग्लिश स्पीकिंग बर्गर बच्चा है टीम के साथ रहता है हर जगह जाता है तो उन गया तू ज़िंदगी नहीं जी सकता तेरी शादी होनी है बच्चे होने मैं कर लूँगा मैं देख लूँगा अगर नहीं यार तू काम कर तो जिस तरह पिंडी में चक्री रोड है ना अब उस तरह एक ज़माने में रायवंड होता था यार वहाँ दफ्तर है वहाँ चला जा जी हम रायमंड आपको पता है फाइनली हम क्यों गए थे एक भाईजन के जानने वाले थे उन्होंने कहा कि यार मेरा राममंड में प्लॉट है एक सोसाइटी है उसका नाम अभी स्लिप हो गया याद है मैं बता दूंगा तो यार वो तुम ले लो मुझे पैसे को दे दो उन्होंने ले लिए पैसे देखिए ट्रांसफर हो गया वो प्लॉट बिके नाम से उस प्लॉट को बेचने के हमने वहाँ दफ्तर बनाया कि यार ये अब फंस गए हैं भासी कटो मैं सवा लाख था कि डेढ़ लाख था ये बात है दो हज़ार आठ या नौ की ठीक है बहुत सस्ती प्रॉपर्टी होती थी रायमंड में कुछ भी नहीं था ना ये तो बाद में रिंग रोड शिंग रोड हर चीज़ बनी हमारी आंखों के सामने शाइटियाँ बनना शुरू तो आप समझो कि हम अक्सर लोग कहते हैं कि यार हम अल्लाह ने हमारी किस्मत अच्छी रखी हुई है हम इतने समझदार नहीं हैं मतलब वैसे कोई कहना है कि आप इतने थिंकर हैं हम कहते हैं भाई साढ़ा डेढ़ लाख फंस गया से उन्होंने कटाने के चक्कर से अल्लाह ने मेहरबानी की और फिर आपकी आ, कॉलेज किस में किया आपने नहीं किया यूनिवर्सिटी ओके सो आपने मैं तो के बाद फैसला कर लिया था कि मैंने आगे पढ़ना नहीं है हालांकि मेरे वाल साहब बजे थे कि तुम इंग्लैंड चले जाओ मैं नहीं, 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 क्या करूँगा मेरी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आप क्यों पैसे जाया करते हैं तो हालांकि मेरी बड़ी बहन येल से पढ़ी है मेरा जुड़वा भाई सोए से पढ़ा है मेरा छोटा भाई यूसीएल से पढ़ा है मुझे कोई शौक नहीं था और ये मेरे वालसा की मेहरबानी ने उन्होंने जबर नहीं किया हमारे पे कभी ना हमारी वालदा ने और Or, them, के के और मैं एट द सेम टाइम शाम को डिबेट्स कोचिंग देता था ओके बिकॉज हमारा रियल मैकेजमे था कि जो मेरे पैसे बनते थे मैं लेता नहीं था और मैं अपना खर्चा शाम को डिबेट्स कोचिंग देता था और इंटेलेक्चुअल प्रसूट की बहुत आदत थी तो मैंने कहा यार अपने आप को मैंटली इंगेज रखना है उसमें तो ये जो स्कूल यूनिवर्सिटी डिबेट स्कूल्स की okay. और यूनिवर्सिटीज की ना मुख्य पैसे देते थे पचहत्तर हजार डेढ़ लाख दो लाख महीने का देते थे तो बड़े पैसे होते थे यार जो तो सिंगल बंदे के तो बाकी हुँ. और ये बड़े अच्छे जमाने थे सही. जब दो हजार में गाड़ी की टंकी फुल होती थी तो वो करता था और मनी वॉज ने गोल ऑनेस्टली स्पीकिंग नॉट दैट वी हैड अ बिग हाउस या लेविश लाइफ स्टाइल नथिंग लाइक दैट फॉर सम रीजन हमारे घर में मनी वॉज नॉट द गोल हमारे घर में हमेशा इंटेलेक्चुअल एक्सलेंस रिवॉर्ड हुई थी दिस इज सो हैपन लाइक दैट सो आई मीन वी डिन इवन प्लान इट दैट इज जस सो हैपन ये रिवॉर्ड होती है तो परसू करते रहे फिर अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ था और हम मार्केट से थोड़ा हट के काम करते थे हम फाइलों वहाँ काम नहीं करते थे हम ऑन ग्राउंड प्लाट सा करते थे और फिर दो के बाद हमने सिर्फ एल डी एप्रूव प्लाट सा ठीक okay. है और अल्लाह ने उसमें बहुत पैसे रख दिए हमारे लिए और हमने रिलइज़ किया कि मार्केट में अगर आप नीट एंड क्लीन सर्विस दें तो आपको पैसे बहुत मिलते हैं तो हम बहुत एडवांटेज हुआ इस चीज़ का। so so कि साल दो साल पहले हम रिटायर हो हम कुछ नहीं करते है। हम सिर्फ कुछ ले ले हैं और पैसा, में बन गया, पैसा ये भी अक्सर एक सवाल होता है हमसे कि आप लोग पॉडकास्ट ला रहे हैं काम कोई क्यों नहीं करते मैं उसकी वजह बताया था पैसा कितना बहुत होता है दस करोड़ बीस करोड़ अरब मैं आपको सौ अरब भी दूंगा आपको इस्तेमाल नहीं करना था बेमायनी इन रियलिटी अगर एक बंदे के पास इस वक्त पाँच से छः करोड़ रुपया कैश है तो वो सालाना करोड़ डेढ़ करोड़ की आमदनी कर सकता है लेकिन हम वो चूरन बेचते नहीं हैं जो लोग आपको बेचते हैं उसका तरीका ये है कि आप मुख्तु छोटे छोटे बिजनेस देखें महीने का एक बिज़नेस का पचास हज़ार रिटर्न करना बहुत आसान है तो आप 10 से 20 बिज़नेस खोल लेते हैं जब आप वो इनकम इकट्ठी करते हैं तो बहुत सारी बन जाती है मेहनत करनी पड़ती है लाइक मैं पॉडकास्ट के अलावा अपने जो जाती पैसे हैं उसको इन्वेस्ट करता हूँ बिज़नेसेस के अंदर बिजनेस मॉडल बिजनेस कॉफी शॉप okay. कॉफ़ी बीन का ट्रेड जिम्स ठीक है किक बॉक्सिंग के जिम्स आ, कपड़े mm -hmm. कोई लड़का कपड़े लॉन्च करना चाह रहा है मर्दों के उसका बिजनेस मॉडल देता हूँ समझ आता उसके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ और कुछ सूद पे नहीं भाई प्रॉफिट हुआ ये सा लॉस हुआ नो प्रॉब्लम ठीक है और उसमें आप धक्के खा के सीखते हैं मसला ये होता है कि हमें से क्या कहता है क्विक मनी के लिए नहीं जाना पैसा डबल नहीं करना अगर आपके पास लाख है तो साल का पच्चीस हजार कमाना है डेट्स hmm. इट अब लोग कहते हैं तो बड़ा स्टूपर्ट फल्सा है पैसा तो डबल होता है नहीं जो पैसा डबल होता है ना अगर आप उस बिजनेस के पीछे ट्रेस करेंगे को कोई प्रॉब्लम है अनटिल एंड अनलेस कोई आइडिया ईजाद हुआ है लाइक फेसबुक अंटिल कोई ग्रेट अनोमली हुई है पैसा डबल नहीं होता ठीक है अगर हो रहा है और रिपीटेडली हो रहा है देर इज़ ए प्रॉब्लम पीछे देर इज समथिंग दैट यू आर डूइंग विच इज़ नॉट करेक्ट ठीक है बिकॉज इट इज़ नॉट नेचुरल बीच मैंने में मैंने मुख्तफ चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की जानवरों में इन्वेस्टमेंट करता हूँ uh, कुछ ऐसा दूध का काम किया बड़ा अच्छा प्रॉफिटेबल काम है लेकिन वो बहुत मेहनत का काम था वो फजर पे पिचवाई होती थी शाम को mm -hmm. होती थी तो मैंने कहा यार थोड़ा सा जिंदगी आसान करते हैं और अभी एक नया काम हम करने लगे हैं इन शाह उसमें सानिया करें हम लोगों घरों पर सर्विस प्रोवाइड करेंगे प्लम्बिंग डेंगी स्प्रे मतलब बारह चौदह सर्विसेज हैं आई बिलीव एक कराची कंपनी ऑलरेडी करती है और बड़ा अच्छा काम हुँ. कर रही है और इसका लिमिटलेस स्कोप है तो अगर आप इसको, इसको इस्तेमाल करें तो बहुत सारे काम हैं और ये पॉडकास्ट कहाँ से आईडिया आया आई थिंक यू होल्डिंग कंपनी का शायद नाम है कंपनी थी लास्ट डे था उन्होंने कहा था कुछ तो नाम इट एक्चुअली लास्ट डे ऑफ द कंपनी नहीं वकील हमारे पीछे पड़ा हुआ था कि भाई इसको रजिस्टर कराएं रजिस्टर कराएं ट्रेडमार्क 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 तो नाम सोचें ठीक है कि किसको रजिस्टर करवाएं कंपनी, कंपनी को को ट्रेडमार्क कराएं पॉडकास्ट करनी है ताकि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रिजर्व हो अब हमें नाम को समझना है यार क्या ये कौन सोचेगा सही है तो मैंने कहा यार ये ऑन ही रख देते हैं उसका नाम बाद में चेंज करना हुआ तो कर लेंगे मतलब बहुत अरसा हमारे पेज का नाम था ईन होल्डिंग्स अब ई पॉडकास्ट हुआ कुछ अरसा पहले

फोर मंथ्स बिफोर लाइक बिकॉज हम इतना करते थे कॉमेंट्री uh, स्पेस का इंडिया का पाकिस्तान का वी थॉट यार वी हैव डिफरेंट ओपिनियं वाई नॉट आउट देयर और ऑल्सो uh, जो मैंने आपको बताया था इनिशली जो हमने इमरान खान का डाउनफॉल देखा था क्योंकि नाइन्टीज में मैं पोलिटिकली अवेयर नहीं था आई वॉज वॉट मैं नाइन्टी वन में पैदा हुआ सात आठ साल का था सो आई नॉट सी डेमोक्रेसी का ये बैक एंड फोर्थ और मैं मेरा जहन संभला ही मुशरफ में था और फिर मुशरफ के बाद पाँच साल जरदारी थे पाँच साल नवाज़ थे और फिर जो इमरान खान के साथ हुआ नवाज शे के साथ उसका ये तो hmm. अजीब सी चीज़ है और फॉर सम रीज़न ये सब एक ही ट्रैप में फंस रहे हैं और इसके ख़िलाफ़ उस तरह बात नहीं हो रही तो पता नहीं क्या हो रहा है चल hmm. तो यार करते हैं एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें लगा था कि लाइक एक साल में

तो so, uh, uh, तो वो एकदम से अच्छा okay. लोगों को ये नहीं पता था एंड बाय सरप्राइज बाईट बट वाई डिड यू गेट स्टार्ट पॉडकास्ट to be very honest we just wanted to put certain ideas out there like for example this idea that there can be islamic reformation this idea that don't go after easy money don't take the easy route in business because ye jaisa humne e coins ka advent dekha tha continuous ponzi scheme after ponzi scheme hum online bhi dekh rahe the physically bhi dekh rahe the chahe lasani group ho chahe B4U you ho we realize ke pakistani awam ko ek गलत चीज़ कैपिटलिज्म की समझ आई गई है कि जी आप पैसा फौरी फौरी कमाएं गेट रिच डाइट रहें का फिलोसफी mm. गलत है और ये इस्लाम के अंदर फिट नहीं होती तो हमारी ख्वाहिश थी कि हम इसकी गुफ्तु करें लोगों को बताएं लेकिन आपको बहुत सारे इन्फ्लूस मिलते हैं एक वो पठान है जो कहता है सुनो गरीबों या इस तरह की बात करते हैं शायद ये, ये, ये शायद साहब तो मैं ड्रॉप शिपिंग इज़ नॉट दी सोलूशन ठीक है लाइक मैं लोगों को अक्सर यह समझाता हूँ कि बेकार जगह कोर्स मत खरीदें एंड का मॉडल मत फॉलो करें सही डीजा नॉट बिजनेस ये कि जो लोग नहीं कर रहे आई थिंक कुछ ना कुछ तो चले उनको ठीक है यार मैं और आप भी एम एल एम स्कीम शुरू करते हैं लोग पैसे कमाएंगे ना टी एर वन टू थ्री कमाते हैं लेकिन टीएर ट्वेंटी सिक्स होता है जब वो लाइफ सेविंग जो आता है फिर क्या होगा देखिए है रिस्पांसिबिलिटी है ना मेरे पास दस लड़के प्रॉपर्टी में काम करते हैं मैं उनको सुबह दोपहर शाम कहता हूँ मार्जिन हराम है लेकिन फिर मैं मार्जिन के पैसे कमा के लाता हूँ तो मेरे कॉल ऑफ में तजाद हो गया तो एंड्रो टेट एक तरफ कहता है कि बेसिकली हमने स्केप करना है मैट्रिक्स फिर वो कहता है हम एलएम एमएलएम स्कीम करेंगे जिससे हम डॉलर कमाएंगे और फिर हम फ्लैशी गाड़ियां लेंगे और बहुत सारी औरतें रख लेंगे नहीं अब तो मॉडल आई थिंक वो चाहिए उसने प्रॉब्ली पैसे शायद वहाँ से बनाए हैं अब तो, तो उसने वो मुसलमान हुआ और वो सारा अल्लाह उसके इस्लाम कबूल करे मैं किसी का जो वो कहता है उसको फेस वैल्यू पे लेता हूँ वह मुसलमान होगा अल्लाह उसको उसके गुनाह माफ़ करे उसको दीन पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए वो अपनी ज़िंदगी को और दीन की लाइन पे करे मुझे क्या जन्नत जन्म उसका फ़ैसला अल्लाह ने करना मैं तो नहीं करना ना लेकिन अगर आप एक चूरन बेच रहे हैं एम एल एम का जो आपको फ्री करेगा मेट्रिक से जो असल में उसको और ट्रैप कर रहा है तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है आपके अंदर ठीक है और मनी इज नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ मैन ठीक है द रीजन बींग इज बिकॉज मनी ट्रैप्स यू मोर मनी यू हैव द मोर ट्रैप्ड यू आर नवाज शरीफ वापस क्यों आया है पाकिस्तान को बहाल नहीं करने <laughs> अपनी जागीर बचाने जहांगीर तरीन अलीम खान जो भाग दौड़ कर रहे हैं वो पार्क व्यू इलीगल है तरीन साहब के प्रॉब्लम्स हैं एक्सपोर्ट के उन्हें कवर देने के लिए बट एक आई थिंक प्रॉपर्टी में नॉट प्रॉपर्टी सॉरी पॉलिटिक्स में तो नशा नशा भी 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 है 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 ना एक, कि आप नशे, जितना पैसे होते हैं है, होती नहीं, है, होती कोकेन कोकेन पावर भी नशा है, नहीं, नहीं, नहीं की भी, सर <laughs> सर बेसिकली होता क्या है कि आप जब ये आर्टिफिशियल हाइज डोपमीन हिट्स ढूंढते हैं तो आप आहिस्ता 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 अपनी इंसानियत खोते हैं आप जितना डोपमीन हिट्स लेते हैं जितना आपने नर्वस सिस्टम को जैम करते हैं उतना आप में और जानवर में फर्क नहीं रहता आप बेस ह्यूमन इंस्टिंक्ट पे आ जाते हैं आप मुझे बताएं ओके जो लोग पार्टी करते हैं हर रात चाहे शराब कोक ठीक है आप उनसे गुफ्तु करें जो वो सोबर होते हैं वो फ्राई हो चुके होते, होते हैं मेंटली ठीक है वो फ्राई इसलिए हो गए होते हैं कि उन्होंने अपने तबाह कर दिए होते हैं जो प्लेजर्स कॉफ़ी पी के पानी पी के अपनी बीवी को मिल के अपनी औलाद को देख के आने होते हैं वो डोपोमिन हिट्स को कंटिन्यूसली लेते हैं तो वो नॉर्मल नहीं रहते ठीक है ना जब आप पावर के हाई को तलाश करते हैं और वो कंटिन्यूस हिट लेते हैं कि मेरे पास लाख बंदा आया दो लाख आया चार लाख और ये बाय पॉडकास्टर्स में भी होता है एक लाख व्यूज आ गए दस लाख व्यूज आ गए आप आर्टिफिशली अपने नर्वस सिस्टम को मार रहे हो ये एक्सरसाइज करने से नहीं होता बॉडी की फिजिकल लिमिट है ना आप जो मर्जी कर लें आप वो फिजिकल लिमिट नहीं पार कर सकते तो अल्लाह ने नेचुरल तरीके बनाए हैं डोपमीन के और प्लेजर सेंटर्स के और अन नेचुरल तरीके भी बनाए हैं फैसला आपने करना ठीक है हजरली कॉल है कि हजर अली असर की नमाज़ के लिए या नमाज का टाइम मुझे भूल गया बाद में कोई आई मीन कह ना दे लेकिन नमाज के लिए जा रहे थे तो अपना घोड़ा और उनके साथ था तो उन्होंने एक यहूदी को कहा कि इस घोड़े का तुम दफा करो मैं नमाज़ पढ़ के आया जाते हुए उन्होंने सोचा कि जब मैं वापस आऊँगा इसको मैं तीन गलबंदनार थी तब करेंसी दे दूंगा नमाज़ पढ़ के वापस आया देखा यहूदी नज़र नहीं आ रहा घोड़े काठी नज़र नहीं आ रही घोड़े को नकेल से ले गए बाज़ार में ले गए बाज़ार में जब पहुंचे तो दुकान पे तो आए जो काठी देखी तो उनकी काठी थी तो उन्होंने दुकानदार से पूछा कितने पैसे उन्होंने कहा चार हजरली ने कहा मैं तीन दूंगा उसने कहा हजरली मैं तो बे ख़रीदी ही तीन में तो हजरी सारा ने तब सोचा कि यार अल्लाह कितना रहीम मेहरबान और रिस्क के ऊपर काबज़ है कि मैंने सोचा था कि उसको मैं तीन दूँ और उसको तीन ही मिला लेकिन सही और गलत का फैसला उसने कर दिया ठीक है तो कोई भी अगर आप फाइनेंशियल डिसीजन करते हैं कोई भी आप चूरन बेचते हैं तो आपने उसके शरी सोचने ठीक कोई भी आप जिंदगी में फैसला लेते हैं अपनी औलाद के हवाले से अपनी बीवी के हवाले अपने शरी कन्वें सोचने ये दुनिया कानून बेमैनी है ये सब कुछ यहाँ रह जाना है ठीक है अच्छा लेट्स कम टू में जो बड़े बड़े लोग होते आई डोंट टू नेम बट वो लोग बेच रहे थे ना ये ज्यादातर आई आई अंडरस्टैंडी मैंने अराइवल्स देखी थी जब यू नो टाइम और मैं मुझे मैं मुझे याद है यूनिवर्सिटी सेंट्रल लंदन जाना था हर कोना ही मुझे नजर आता था भाई इज देर इज समू दे नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई है वेरी रिलायबल प्रॉपर बट इसमें यह भी नहीं होता कि आप कॉम को एक और ही डगर पे आप चला देते हैं वन इज जस्ट टू गेट द नॉलेज ओके एज एन एग्जाम्पल इफ 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 द कप इज लाइक हंड्रेड परसेंट उसमें से आप लाइक दिस नॉलेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नॉट डोंट भी नाइफ ये है ही नहीं है बट देन ये कि वो फिर आपने जब पकड़ लिए फिर आपको हर चीज के अंदर जो है ना वो ये चीज नजर आना शुरू हो जाती है ओके दिस वे रिच बिजनेसमैन दुनिया भर में एग्जिस्ट करते हैं and they realize how to game the system and then they realize how to collude don't think of the word illuminati don't think of the word freemasons don't think of lizard people right think of large consortiums of businesses colluding together right why is it that Elon musk and jeff bezos both have nsa contracts okay why is it that the way jhangir Tareen, aleem khan malik raza's business is set up that it's linked with the government right so, what happens is that when you made more than X amount, let's say that amount is $200 million, there's no way governments can now ignore you. Now you have to become a part of them or they smash you, mm. right? Which has also happened, vice versa. Once you become part of them, you suddenly realize that there is an upper ruling class or the bourgeoisie. Let's look at it in a different lens altogether. Mm. Now, that upper ruling class has to make sure that the worker force keeps working, right? So, they use different tools.

everyone found out is just not true. Hmm. And they sold you different narratives, that India Sah, like, Afghanistan, S, like, Iran, Sah, like, America, She, like, China, She, like, Russia, S. Like. They didn't allow you to think. The reason they did it that way is because they couldn't directly sell you alcohol. So they had to give you another kind of drug. Something called nationalism. Mm. So, why is it that nationalism now is celebrated, but Nazi Germany was not celebrated, which is ultra right fascist nationalism? It wasn't Mussolini's nationalism celebrated, or Putin's nationalism isn't celebrated, but US nationalism is celebrated. So, it's basically a simple idiom of history written by the victors, so they're the strongest, whatever they say goes. This is not freedom of speech, or it's not freedom of thought. So, Illuminati does not exist. There are no lizard people, but large corporations exist around the world. They determine what you eat, what you wear. So whether it be a simple movie like Devil Wears Prada where Meryl Streep says a simple line that we dictate even the cheap fashion you make. Which is true. Hmm. So Prada is not a fashion company. It's a large conglomerate business that determines what you do and what you don't do. Nee, but so okay. yeah, 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 yeah. 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 yeah, so the, the funny thing is that once you become that big, and once you become that powerful, who governs you? You cannot escape that. That's what you exactly. Saying. So, Alibaba, great idea, guys. Business grows, becomes so big. The Chinese government mm -hmm. is there. Hmm. This is what's going. To, nazar hai, aage, aage. Okay. What's going okay. to interviews be aage? He okay. is now acquiesced to the government's demands. Okay. TikTok app, simple social media. The guys who probably thought the idea just like hmm. normal guys like hmm. you and me, booms, become so big. Mark Zuckerberg. Autistic normal guy, mm -hmm. right? Creates a platform, clicks, everybody's on it, becomes so big. CI is like, Ajay. So, when you vest all power in the state in terms of violence of a region, then they control what you do. This has been true throughout human history. It's nothing new, by the way. Mm -hmm. So, the Christian kingdom of England versus the Christian kingdom of Spain have different tools to control their population and raise armies and go on crusades and battles against each mm. other. so you basically process continuously, chalre, tools over time change. Mm. Mm. style so, is just changing. yes. so globalization, what it did was that for the globalization uh, by the east india company, by the dutch company, what it did was that they suddenly realized there are many resources in the world that we can accumulate. Mm. so that phenomenon is now continuing, right? so. New markets means new countries. New countries means new sets of rules, new sets of laws. But what is similar between the bourgeoisie of new of let's say developed countries and developing countries? They all want money. Mm. So what is the number one dream sold to you? Get rich, die trying. 50 cent ki album mm. Ganambi, mm. Right? So you hustle and you hustle and you hustle. And then you see Andrew Tate emerge. And then you see Gary V emerge. You gotta do this and do that. No, brother. You're playing in a rigged system. What's the award of that system? You get so big. That you're now controlled directly by the government, or you remain so small that you're controlled by corporations. You're never truly free. Hmm. So, true capitalism is basically small government. Why is it that they've changed the definition of true capitalism now? So, true capitalism doesn't even believe in taxes. So, if you read Milton Friedman, he's against hmm. taxes, he's against big governments. So, what they did was they took the left idea of big government and juxtaposed the idea of capitalism on top of it and sold it to you as a Western liberal democracy. So, they package it that way right? This is the Illuminati. And the reason we use the word Illuminati is because it's a popular term, but you don't have to use Illuminati. Mm -hmm. Just say these are the ruling elites. Mm -hmm. So Nawaz Sharif, Jahangir Imran Khan, Bilal Bhutto, Zulfiqar Ali Bhutto, Benazir, uh, anybody is it all the same in terms of who they are and what they represent in society. The differences between them are shades of gray. मैं ज्यादा ईमानदार हूँ वो ज्यादा बड़ा चोर है वो जानी है वो शराबी है उसके बाप ने इतनी करप्शन की थी बुनियादी तौर पे आप सब रूलिंग एलिट हैं आप में से कौन आम आदमी है आप में से कौन है जो आम आदमी की प्लाइट को समझता है अंडरस्टैंड करता है आप में से कौन आम आदमी की प्लाइट को रिप्रेजेंट करके उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है बट ये कि इनमें से कुछ इस तरह की भी ना जैसे जेके टी के बारे में है कि वो आए प्रोफेसर थे पढ़ाते थे होते 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 जेके टी ने दौलत कैसे कमाई वो तो बाद में कमाई ना कैसे कमाई जेगटी शादी का हुई थी जेगटी की शादी में उसको कौन सी मिल मिली थी फिर जेकिटी ने अपने किस साले की जमीन को ठेके पे लिया था जो दस हजार एकड़ थी और पूरी इंडस्ट्री खड़ी की थी। वो तो आपके मैंने आप जो भी पिछली जिंदगी में कर रहे थे आप अब जो कर रही वो, वो कैसे हुआ खान साहब बचपन में हाफिज़ हो सकते हैं पांच वक्त के नमाजी हो सकते हैं अभी भी होंगे कोई शक नहीं बहुत नेक आदमी हो सकते हैं लेकिन खान साहब खान साहब बने कैसे ना इसका जवाब तो दे कौन आया था खान साहब के पास दो हज़ार तेरह में कहता था कि तुम्हें बन रहे हो प्राइम मिनिस्टर फिर किस पॉलिटिशियन ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो फिर उसको पार्टी से निकाल दिया गया फिर वो चुप करके घर जाके बैठ गया फिर खान साहब को 2018 में प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया अच्छा नहीं इसमें मेरा थोड़ा सा वो डिफरेंट है कि

वो okay. तो एक्चुअली था मुझे ये लगता है कि वो एक प्यादा जीत रहा है उस अब ये है कि देर इज नो अदर वे सो लेट्स जस्ट जम्प ऑन दैट सोल कार लाइक राधर अच्छा अब ये बिल्कुल है कि जेके टी उठे जहाज पकड़ा इसको लाए उसको लाए और जेके टी से जब मेरी मुलाकात तो हुई उन्होंने मैंने ये कहा कि खान साहब को हमने कहा मैंने कहा अब आप क्यों वो कर रहे हैं उस टाइम आप लोगों ने तो ये किया था ना टेक्निकली अब आप कह रहे हैं exactly आ, ये किया था आप कह रहे हैं जी ये हो रहा है वो हो रहा है तो दिस इज पार्ट ऑफ द गेम तो वो तो वो तो खान साहब का कुत्ता टॉमी है बाकी सब कुत्ते हैं हाँ हाँ बट बट उसमें वो ये कि वो स्टैब्लिशमेंट का वो किरदार नहीं है कि वो <coughs> बनाना है किसी को बनाने में फिर मेरे ख्याल से वो रोड से पकड़े एक बंदे को मतलब <coughs> यहाँ तक के तो मॉडल प्यूटिन को जब प्यूटिन कैसे आया अपना बॉय था उसको बनाया 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 ऊपर ला के खड़ा किया गया लाइक दिस इज हो वी आर एंड नाउ वी आर गोइंग टू मतलब वहां क्यों नहीं वो लोग ये कर सकते कि आप डेमोक्रेसी में से कोई बंदा लाएं तो ये चीज़ पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकी okay. आप नीचे से कोई मेजर आता कोई कर्नल आता होते होते वो अपनी पार्टी बनाता और बहुत से बने भी हैं मैं बताऊँ हमने पहले क्या बात की थी कि जब आप बहुत बड़े होते हो तो आप टेक ओवर हो जाते हो राइट ये आसान तरीका होता है रशिया वाला मुश्किल तरीका है कि जीरो से बंदे को खड़ा करो लेकिन जब आप खड़ा करते हो फिर पचास साल उसके होते हैं ठीक है सदाम ओके इमरान खान नवाज शरीफ या जुल्फार अली भुटो ये सब कोऑप्ट हुए थे एक्चुअली नवाज शरीफ साहब तो लैब में बने थे बाकी दोनों कोऑप्ट हुए थे ये कोऑप्ट इसलिए हुए थे कि इनका जो नरेटिव था चूरन था वो पॉपुलिस वेव में गेंद कर रहा था कोऑप्ट हो गए इनकी गलती थी ये कोऑप्ट हो गए सो स्टैब्लिशमेंट के पास दोनों ऑप्शन हैं चाहे वो सिविलियन स्टेबलिशमेंट है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है कि आप लबोटरी में बंदा बनाए या फिर जो बंदा चल रहा है उसको आप टेक ओवर कर लें और ये पूरी दुनिया में सच है ट्रम्प प्रेजिडेंट कैसे बना एक हाईली पॉपुलर टी होस्ट है वो अप्रेंटिस का और एक फ्लैम बॉइंट बिलियनियर है वो 80 से अपनी पीआर इमेजिंग बना रहा है कि मनी रन वर्ल्ड मनी इज एवरीथिंग और ज्यादा नहीं है और एक रियलिटी टीवी स्टार ऑफ सडन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को हाईजैक करता है उसके सपोर्टर्स कौन है उसके सपोर्टर्स सारे वो राइट विंग कंजर्वेटिव एक्सट्रीम राइट के लोग हैं जिनको एक वॉइस नहीं मिलती थी तो ट्रंप उनको ना कंडोन करता है ना कंडेम करता है तो दिस इज अ ट्रेड ऑफ राइट खान साहब को पता है कि स्टेबलिशमेंट नून के साथ भी रही है फलान भी फलान आज मेरे साथ है और खान साहब को ये भी पता होगा कि कल को ये मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं अच्छा एक इसमें जो क्वेश्चन है डू यू यू थिंक 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 इट्स इट्स अ अ कॉन्शियस डिसीजन या जस्ट सिस्टम आर गोइंग 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 बनते 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 आई आई रियलिस्टिकली Uh, politicians inherently have egos hmm. because you you have to be not in a negative sense thoda aapka ego hona to believe that i have the solution hmm. to the problem hmm. right so that fuels your stupid decisions and the second thing is द वे द पोलिटिकल सिस्टम इज सेटअप ओके सो आउटसाइड ऑफ मेजर सिटीज़ इलेक्टेबल्स होते हैं इलाके की जो सियासत होती है जो मेजर सिटीज़ के लोग समझते हैं, नहीं हैं कि वो थड़ों पर रिलाये कर रहे होते हैं कि मेरी बरदरी का दस हज़ार बंदा है यहाँ पर या यह मेरी यहाँ पाँच हज़ार एकड़ ज़मीन है मेरे सारे मज़ारे हैं मेरे पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं तो मेरी मर्जी से वोट करते हैं वहाँ पर आप पिकन सेलेक्ट करते हैं एंड दोज़ आर दीपल जहाँ पर इस्टेबलिशमेंट का right? मोस्ट कॉन्टैक्ट होता है राइट साउथ पंजाब में अक्सर यही होता है बलोचस्तान में ये होता है टी एस में ये होता है के पी के में ये चीज़ आहस्ता टूट रही है लेकिन वहां पे एक और किस्म के लोग खड़े हैं जो स्मगलिंग रिंग्स बनाने चला रहे थे जिन्होंने ये अफगान डॉलर का फायदा उठाया था उनके बहुत बड़े बुर्ज खड़े हो गए और वो पॉलिटिक्स डिक्टेट कर तो इन लोगों को आप इकट्ठा करते हैं जब इन लोगों को इकट्ठा कर रहे होते हैं टू तो ग्रास रूट कैंडिडेट वहां खड़ा कर रहे होते हैं तो आप क्विक रूट लेते हैं जिंदगी में जब जब आप क्विक रूट लेंगे आपको पुट्ठा ही पड़ेगा सो बहुत मुश्किल है कि आप नेल्सन मंडेला की तरह अठारह साल जेल में रहें बहुत आसान है कि आप महीना जेल रहे और इंग्लैंड चले जाएं। ठीक है ये ईजी है तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और इस्टेब्लिशमेंट में से ईजी वे आउट लिया ठीक है दे हैव नॉट वॉन्टेड टू पुट इन दी एफर्ट मांसवाय कायद आजम राइट सो जो इनिशियल गॉड फादर है पाकिस्तान का जो मेट्रिक ऑफ सक्सेस है उसने कुछ और किया और बाकी सब ने कुछ और किया ठीक hmm. है इस्लामाबाद इस्लामाबाद क्यों बना गाँव पहाड़ों के दूसरी तरफ किसका गाँव है ऐब खान का ठीक है hmm. तो इस्लामाबाद कैपिटल बन गया कराची कैपिटल क्यों नहीं है हालांकि एक, एक, एक इकोनॉमिक हब जो प्री डेट करता है पाकिस्तान को वो कैपिटल क्यों नहीं है लाहौर कैपिटल क्यों नहीं है पशावर कैपिटल क्यों नहीं है इस्लामाबाद की ऐसी कोई स्ट्रेटजिक जोन है दो वजूहत जी एच क्यू कहाँ पर और पहाड़ों के दूसरों के साथ गाँव है जब आपके फैसले इस तरह के स्टूपेड हो रहे होते हैं तो बुनियाद पुट्ठी रखी जा रही है तो खान साहब नवाज़ शरीफ जदाई साहब कोई भी हो इनको दोनों वजह से कॉन्शियसली एंड सब कॉन्शियसली ये डिसीजन बन रहे होते हैं लेकिन इस वक्त सब कॉन्शियसली कुछ नहीं हो सका अब तो सब कुछ दंगा हो गया अब कोई नहीं कह सकता किसी सामने नहीं पता हुँ। से। हर बंदा इस्टेब्लिशमेंट चेक कर चुका है हुँ। हर बंदा पॉपुलस वेव चेक कर चुका है नाउ दे हैव टू डिसाइड कि हम जमहूरियत के साथ हैं या हम हाइब्रिड आमरीत के साथ हैं और नंबर वन मांग अमाम की होनी ही चाहिए कि भाई सही है या गलत है मुल्क डूबता है कि नहीं डूबता जमहूरियत हो तो के फैसले तो साढ़े हों आपके ख्याल से जमात इस्लामी सीटें क्यों नहीं जीतती या मेरे तो इलेक्शन है। है? में कौन कौन है को करके बैठा क्योंकि जब जमाते इस्लामी रैली कराती है सबसे बड़ी होती है कुछ नहीं है जमात के सामने उनको कवरेज नहीं मिलती ठीक है वो फलस्तीन की रैली करते हैं लाखों बंदा वहां जाता है कवरेज नहीं मिलती आपके ख्याल से इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट होती है तो वहां पर स्टेबलिशमेंट नहीं है हर पार्टी में टीएलपी में नहीं है टीएलपी कहाँ कहां से आ गई राए। देखिए एक चीज जो आप भी क्लासिक मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूं कुछ बातें तो लगता है कि यार तुम किसका चेक आट रहे हो आ, दो दो मारे दो मारे क्या है भाई क्या बात कर रहे हो ये सब के सब अब इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि अवाम एक सर्टन अमाउंट ऑफ नॉनसेंस बर्दाश्त कर लेगी एक सर्टन अमाउंट ऑफ क्लूजन बर्दाश्त कर लेगी अब ये सिर्फ डिटरमिन कर रहे हैं कि क्लूजन किसके साथ होगा खान साहब को वक्री डील ऑफर हो रही है नवाज़ को वक्री हो रही है जदारी को वक्री हो रही है और डील किसके फेवर में गिरनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के और वो देख रहे हैं कौन सा प्यादा कहाँ कंट्रोल होता है ये सब भूल गए कि जून में अट्ठाईस बिलियन डॉलर वापस देना है मैं इस वक्त कौन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेगा मैं आपको कोई कैसा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे ठाई बिलियन जूझ देना कौन देगा एट द सेम टाइम हालांकि हमारे अपने चैनल पे ई पे सारे मेरी बेइज्जती करते हैं मैं बहुत प्रो पी टी बहुत प्रो पीटियाँ उसकी बहुत सिंपल वजह है जिसके पास पॉपुलर सपोर्ट है उसके पास टूल है फॉर एक्चुअल चेंज चाहे वो नवाज शिफ साहब है जब उन्होंने कहा था कि वोट को इज़्ज़त दो मुझे क्यों निकाला मैं उनके साथ था चाहे जब बेनज़ीर वापस आ रही थी तब मैं उनके साथ था कि यार पॉपुलेशन इनके साथ है शी हैज़ दी एबिलिटी कि वो चेंज कर सकती है वो आप स्ट्रॉन्ग आर्म कर सकते हो जिस तरह अर्दगान ने किया था इस वक्त इमरान ख़ान के साथ है तो मैं इमरान खान के फलसफे के साथ नहीं हूँ इट जस्ट सो हैपन्स कि वो एक बंदा है जिस पे फॉर सम रीजन अल्लाह बड़ा मेहरबान हो जाता है कि वो कोई भी फैसला करता है उसकी पॉपुलेशन वेव इंक्रीज कर जाती है बाकी अगर आप इमरान खान की पॉलिसी की बात करें पी 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 के पी एम एल एन की आप मुझे मैनिफेस्टो में फ़र्क दिखा दें

फॉर अ ग्लोबली क्या है establishment और पाकिस्तान में हम उसको कैसे देखते हैं इसको है? पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं बहुत आसान है स्टैब्लिशमेंट है आपका ब्यूरो स्ट्रक्चर जुडिशल स्ट्रक्चर पोलिटिकल गार्ड और मिलिट्री इंटेलिजेंस राइट आम कर्नल इस्टबलिशमेंट नहीं है मिलिट्री इंटेलिजेंस है एम आई आई एस आई सब कुछ इसमें आता है आई बी भी, भी आ जाता है इसके अंदर ये सारे के सारे पावर हायर की एट द टॉप मिलिट्री इंटेलिजेंस बैठते हैं ठीक है इसमें कोई शक नहीं है और टू सम डिग्री होना भी ऐसे चाहिए बिकॉज जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है उनके पास इख्तारा और पावर्स उसमें ज्यादा होने चाहिए बॉर्डर्स के डिफेंस में जंगों में ये वो मुलाबला लेकिन उस फिजिकल पावर की वजह से वो बाकी सिस्टम्स को भी ओवर पावर कर सकते हैं पचास हजार बंदा वर्चुअली लाहौर सील कर सकता है इतना कोर के पास बंदा होता है ये बाकी सब के सब एक सॉर्ट ऑफ गिव एंड टेक रिलेशनशिप में उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और ये सब मिलके के इस्टेब्लिशमेंट है इसके अंदर जो न्यू एंट्री हुई है पिछले 20 साल में वो क्लासिकल मीडिया और बिग बिजनेस है राइट right? तो बिग बिजनेस क्लूजन प्रॉब्ली एटीज़ में स्टार्ट हुआ है जब आपका फ्यूडल से इंडस्ट्रियल पॉलिटिशन की तरफ चीज गई है और बिग बिजनेस और पॉलिटिशियंस हैंड इन गलव होते हैं और मीडिया भी एक्चुअली उसी कैटेगरी में आता है चाहे वो मरश लुकमान का लीक इंटरव्यू हो मलिक रियाज का नाउस्ट मका ही हैं दीदा फरूकी की वीडियो आ गई है, है साहब आप ऐसे बात करें ताकि नेचुरल लगे अल्लाह माफ़ करें स्टूपर्ड होते हैं तो ये सब इस्टेब्लिशमेंट है और यही मैट्रिक आप इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं आप अमेरिका में भी, भी कर सकते हैं इसमें है आई डोंट फील लाइक ब्योक्रेसी का वो ब्योक्रेसी टूल है राइट ब्योक्रेसी इज द गन गन पकड़ी हुई बाकी लोगों ने जब वो बटन क्लिक करते हैं तो वो गोली ब्यूरोट है इलेक्शन में क्या होता है आर कौन होता है राइट ए सी किसके कहने पे किसकी फर्द आगे पीछे करता है पटवारी क्या होते हैं तो ब्यूरो ब्यूरोसी इज़ द वेपन राइट उसके बगैर ऑपरेट नहीं कर सकते ठीक है सो वो हाईजैक होती ही होती है कोई चक्कर ही नहीं है इसके अंदर मसलन अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो आपको पता है कि इंटरन गवर्नमेंट का, का कानून पाकिस्तान में कब आया था दुनिया में कहीं नहीं एग्जिस्ट करता पाकिस्तान में कब आया था किसने किया था हक ने किया था 1985 में तो एक डिक्टेटर ने एक कानून एंटर किया जो सब डेमोक्रेटिक पार्टी फॉलो कर रही है उसके बाद किस तरह किया ब्यूरोसी के थ्रू और जुडिशरी के थ्रू ठीक है एक नीड बनाएगी कि ब्यूरोक्रेसी ये सिस्टम रन नहीं कर सकती इसके ऊपर एक सुपर जक्सटपोज करनी चाहिए आपको नई गवर्नमेंट वो कर सकती हालांकि ब्यूरोक्रेट टेक्निकली अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है राइट right? उसकी तालीम एजुकेशन ट्रेनिंग उसमें ही होती है काकड़ साहब से वो बेहतर बता सकते हैं या मोसन नकवी से बेहतर बता सकते हैं कि लाहौर की नीड क्या है इनफैक्ट ब्यूरोक्रेट का जो इनहेरेंट पर्पस होता है सिस्टम की एफिशिएंसी का उसको उस काम से हटाया गया होता है यहां पे तो कहा होता है कि एम पी एम फैसले करेंगे डेवलपमेंट में क्या होता है डिवेल्पमेंट फंड की लड़ाई हो रही होती है हर हुँ। किसी के आपस में तो यहाँ पर डेमोक्रेसी पुट्ठी इंडिया में भी इशू है ये सब इस्टेबलिशमेंट है और यही आपको हर जगह ट्रू मिलेगा ये वो सारे वेपन्स हैं और बुजवा क्लास है जिसको इस्तेमाल किया जाता है आपको जकड़ने के लिए ठीक अब आप मुझे बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इनके बीच okay. में नहीं है या इनसे ऐसे जुड़ी हुई नहीं है पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में बट लेकिन इसमें फिर ये भी है ना कि अगर इसको हम डेमोक्रेसी के साथ कनेक्ट करें लाइक व्हाट इज़ डेमोक्रेसी लाइक डेमोक्रेसी बहुत आप लोगों ने भी डिबेट्स अपने चैनल्स पे की दस हजार लोग और भी करते हैं कोई तो ये है जी इस्लाम के साथ वो तो चले निकाल देना अभी कि जी इस्लाम में डेमोक्रेसी है या नहीं बट वट इज डेमोक्रेसी जो सादा मतलब मुझे समझ आता है या जो आम जो जब लोगों से बात होती है कि जी एक ज़्यादा लोग अगर एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं उसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं बट वो उन लोगों की क्वालिटी जो है वो जो साहिल भाई के भी एक पॉडकास्ट में पूरी ये डिबेट हुई वो आई आई एग्री विद दैट कि अगर एक गांव के 50 लोग एक बिरयानी के ऊपर या वो चौधरी साहब ने कहा है कि अगर माल लेना है ना तो तो वो डेमोक्रेसी कैसे चलेगी और हर बंदा यही बात कर रहा है अभी जमात इस्लामी के वो एक साहब आपके भी उसमें आए हुए थे मेरे पास भी है फॉर uh, वो जो सेंटर मुश्ताक अब वो भी नहीं आप चलने तो दें आप आप चलने देंगे तो क्या हो जाएगा आप तो एक एक मतलब एक राउंड चला रहे हैं ना वो राउंड चलता रहेगा तो हाउ कैन डेमोक्रेसी वर्क इन दिस कंट्री असल में इसमें साहिल साहल की बात हुई थी एक एजाम्शन है कि डेमोक्रेसी पॉपुलेशन के लिए प्रूव करें आप कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान या पीपल ऑफ एनी कंट्री इट्स नॉट डेमोक्रेसी कब एग्जिस्ट की है न्यू एज फॉर्म में दो साल में ओके रिलीजियस किंगडम एग्जिस्ट करती थी उससे पहले थियोक्रेस थियोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि पॉपुलेशन के अंदर रिवोलूशन हो रही हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं हाउ डू वी वेस्ट पावर फ्राम अस टू दैम विदाउट एक्चुअली वेस्टिंग पावर फ्राम अस टू दैम यहाँ पे एक टेक ओवर होता है ढाई सौ साल पहले आपकी लिटराटी क्लास के ऊपर जो आपके फिलोसॉफिकल uh, थिंकर्स थे राइट right? जो ये सिस्टम्स प्रपोज कर रहे थे उस टेक ओवर के अंदर एक सिस्टम बनाया जाता है जिसके डेमोक्रेटिक वैल्यूज सेट किए जाते हैं लेकिन उसके मेट्रिक्स नहीं डिफाइन किए जाते हैं आप अमेरिका की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री पढ़ें आप पढ़ें कि कब कब उन्हें लोगों को किस किस वजह से वोट करने दिया या नहीं करने दिया पहले ज़मींदार वोट करता था फिर जिसके पास एजुकेशन है वो वोट करता था फिर करते 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 इवेंचुअली वर्ल्ड वार टू से थोड़ी देर पहले औरत मर्द सब वोट कर हैं जब आपने सिस्टम इस तरह कर दिया तो अब आप पावर अक्रू करने के लिए क्या करते हैं आप मुद्दे की बात नहीं करते आप मुद्दे को डम डाउन करते हैं रीपैकेज करते हैं और चूरन उनको थोप देते हैं तो क्लियरली जो आप उनको चूरन बेच रहे हैं वो आपने करना नहीं और जो आपने करना है वो आप उनको बता नहीं रहे तो ये डेमोक्रेसी है किसके लिए जमूर का जो सिस्टम है या कोई भी जो पावर स्ट्रक्चर का सिस्टम है और यहाँ पर बात करेंगे जो खैर हमें लोग तो अब ये कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता इस्लाम से आप डिवॉइड करेंगे ठीक है यही रिजल्ट आएगा इस्लाम में डेमोक्रेसी इस्लाम में कोई भी पोलिटिकल सिस्टम है

क्या बात कर रहे हैं आप देखिए जमूर एक मेकनिज़म है आमरीत एक मेकनिज़म है कानून नाफज अल्लाह का होना है ठीक है ना डॉक्टर साहब कहते थे कि शरीयत नाफज करना फ़र्ज़ है ओके आप मुझे कहेंगे कि शरीयत इस कप में मिलेगा या गिलास में मिलेगा मुझे शरीयत चाहिए ठीक है आप कहते हैं जमूर के थ्रू होगा मैं वहाँ हो ठीक कर लो आप कहेंगे आमरीत के थ्रू होगा मैं वो हो कर लो कानून नाफ़ज अल्लाह करो और गुफ्तु पचहत्तर साल पाकिस्तानी मीडिया पे पॉलिटिक्स में होनी चाहिए थी कि कानून अल्लाह का है क्या हमने नाफज कैसे करना है ठीक है आप मुझे एक दफा बता दें किसी ने ये सवाल पूछा है नहीं बुनियादी फर्ज मुसलमान का क्या है हम इसको मायनूशिया में ब्रेक डाउन कर लेते हैं बहुत मैक्रो बात करी ना एक आम मुसलमान का क्या फ़र्ज़ है जिंदगी में नमाज पढ़ो जक़ात दो रोजा रखो एस्तगात रखते हो हज कर लो हक हाँ वबा पूरे करो बीवी के हक हाँ पूरे करो बहनों के हिस्से ना मारो इसके बियड क्या है इसके बीन्ड है कुछ है आपको मुझे तो नहीं बताया लेकिन है ना इसके बियन्ड इसके बीड है कि मुआरे का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए ठीक है थीके? वो बनाओ जब आप मुआशरे का स्ट्रक्चर बनाने जाते हो तो आपको समझ आता है कि यार अल्लाह का कानून नाफ़ज करना होगा इस इलाके पे अगर हम माइनॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं तो नहीं हो सकता अगर हम मजोरिटी में करते हैं तो होता है तो ओके लेकिन आपने सारे मेट्रिक्स ऑफ सक्सेस ज़िंदगी के वेस्टर्न लिबरल अडोप्ट किए हुए वो उसे मैच नहीं कर रहे जब वो उसे मैच नहीं करते तो आप एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी के साथ साथ एक हाइब्रिड इस्लाम बना देते हो उस हाइब्रिड इस्लाम में आप कुछ यहां से लेते हो कुछ वहां से लेते हो एक मुफ्ती यहां से खड़ा करते हो एक लिबरल यहां से खड़ा करते हो और वो एक मिक्सड ओपिनियन बना के आपको दे देते हैं उसका प्रॉब्लम क्या है क्योंकि वो आपकी बनाई हुई चीज अल्लाह की नहीं है उस पर होल्स होते हैं जब दुनिया वो पॉइंट आउट करती है तो एक आम मुसलमान बच्चा सोचता है प्रॉब्लम है ठीक है वो लादीनियत की तरफ जाता है ये वो तो देखें इकबाल ने जो एक कॉन्सेप्ट उनका था कि स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी या बिनोवेलेंट डिक्टेटरशिप तो उधर भी वो बात तो आई थिंक वहां आप से इलामा इकबाल के व्यूज पढ़ लें फैश राइट विंग डिक्टेटर्स में तो आपको समझ आ जाए कितने जमूर के वो हक में थे ठीक है ये जमूर वर्सेज अच्छा आमर ये डिबेट चलती रहेगी ह्यूमन हुँ। हिस्ट्री में मसलन आपके पास किंगडम्स हैं कंटिन्यूसली ठीक है तो हर किंग में फ़र्क है फ़लाँ सुल्तान बहुत अच्छा था फ़लाँ बहुत बुरा था तो एक प्रोसेस है जमूर के अंदर फ़लाँ गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी फ़लाँ बहुत बुरी थी ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ठीक है इज़ नो परफेक्ट सिस्टम द सिस्टम इज़ सपोज टू लीड टू एटलीस्ट मुसलमान के लिए मैं फ़्रांस की बात नहीं कर रहा तुम जो मर्जी करो तुमने सेकुलर डेमोक्रेसी बनना है बन जाओ तुमने सेकुलर डिटेटेशन बनना है बन जाओ भाई तुम्हारा मुल्क है जो मर्जी करो अगर पाकिस्तान या तो आज एक सच बोल दिया जाए कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर नहीं बना था ये बना किसी और चीज़ के लिए था ठीक है अगर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बने हैं और आप मुझे ये चुरम पचहत्तर साल से बेच बेचें तो इस्लाम तो नाफज दो नहीं लेकिन अब इसमें ये भी देखे ना कि इट्स सो अनफॉर्चुनेट पचहत्तर साल से अभी तक हम कंफ्यूज हैं नहीं मैं नहीं आप नहीं है एज ए नेशन बहुत ज्यादा हाँ। आपका जनजी का बच्चा आप जाके सर्वे कर लें आपने मतलब कायदे आजम बेचारे को कॉन्ट्रोवर्सियल <laughs> किया जी वो स्पीच निकाल दी थी जी वो डाल दिए जस्ट मैच अब आप टर्की आप भी गए गे मैं भी बहुत दफा गया हूँ आप अर्दगान इस्लामिस्ट है फिर भी हर घर के अंदर वहाँ आता तुर्क है बोले कि एक एक्सेप्टेंस है ना अब उस एक्सेप्टेंस अगर आपके पास नहीं है उसका मसला फिर क्या होता है मारिया भी खड़ी होकर शुरू कर देती है कि जी ये 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 इशूज है वहां से मैर वहां से कैसर साहब वहां से साहिल भाई वहां से ये तो हर बंदे कंफ्यूज नो सेंटर पॉइंट यार हमने एज अ कॉम जाना किधर है तो वो लोगों को आप हर किसी को कन्फ्यूज कर रहे हैं इट्स सो so, मतलब दोनों हमारे, भी हमारे, हमारे और... पॉडकास्ट मारिया भी, भी बहुत बहस हुई मुझे वो नहीं पसंद मैंने कहा ये कौन है जो बताए हक क्या है इनके फैशन शूट देखें आप पहले ये हक पे करें बाद में हमने भी उनका किया था टैके में जाके पहले ये बताएं कि दा क्या होता है उसका मतलब तो बताएं ना मुझे और फिर बताएं कि कितनी बच्चियों के मियाँ दा बना रही हैं वो अपने फैशन शूट पे बताएं ना दा का मतलब इस पर अमान कहता है यार तेरी मेहरबानी तू नया नया दीनी हुआ तेन जोश जोशे बेह आराम हर बंदे की ज़रूरत होती है लेकिन मजबूरी क्या है मारिया बी की कि जब एक बिल पास होता है जिसको कोई पढ़ता ही नहीं है प्रॉब्लम तो वो है कि जो पार्लियामेंटेरियन है वो बिल ही नहीं पा रहे बस पास कर देते हैं एक प्रोसेस होता है जमहूरियत है आखिर <laughs> पाकिस्तान तो ये बिल पास होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठती है तो कोई भी नहीं उठाता वो उठा देती है सेंट्रल मुश्ताक उठा देता है तो ये एलाइज ऑफ मजबूरी हैं मेरे और आपको मुझे और आपको चाहिए नहीं लेकिन उसमें देखिए ये तो अब हम चले इकबाल बेचारे को हमने मेरे वो से ले के, पता नहीं कहा और अगर आप इलामा इकबाल को पढ़े मैंने बहुत कम पढ़ा है बट एक एवोलूशन है उनकी पूरी आपको उन्नीस का इलामा इकबाल बिल्कुल और है जर्मनी जाके और फिर वो लंडन गए हैं वो आपके लव लेटर्स हैं ये लोगों को पता ही नहीं है तो वो लेकिन कहीं कहाँ जाके वो एक मर्जेंस कहाँ हुई है आप इलामा असद को देख लें अब लोगों को पत... वो एक अलग मतलब आपने एक एक यहूदी बंदा मुसलमान हुआ है उसको आपने एक मिनिस्ट्री बनाई है और ये जो इलामा इकबाल की बुक थी

कि नाफ़ज़ कैसे होगा इस्लाम हाँ, पाकिस्तान में वो वहाँ डिपार्टमेंट अब आपने किया क्या उनको वहाँ से उठाया वहाँ से मिडिल तस्वीर भेज दिया उस बेचारे ने वहाँ जिंदगी तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट ना इज के नेशन ही कंफ्यूज है ना आपने जाना किधर है वो अस वर्सेस देम चल रहा है वो लाइक कि जी हम ऐसे वो औरत मार्च शुरू हो जाती एक डिबेट शुरू हो जाती है वो ख़त्म होती है वहाँ से जमात इस्लामी डिबेट है औरत मार्च वाली अगेन आपकी बात दुरुस्त है ये सीरी डिबेट्स इसलिए हो रही है कन्फ्यूज है हम उसमें नहीं जाते कि ने को कन्फ्यूज क्यों किया गया है हमारे अंडरस्टैंडिंग है लेकिन इसका सोलूशन क्या हम उस पर आ जाते हैं इसका बहुत सिंपल सोलूशन है कुरान हदीस इस्लामिक हिस्ट्री इस्लामिक गवर्नमेंट्स की हिस्ट्री हजुसम के टाइम से लेके आटमन एम्पायर के एंड तक जहाँ पे एक इस्टेबलिश सिस्टम स्ट्रक्चर था ठीक है आप पढ़ें और पढ़ाएं ताकि लोगों को ये समझ आए कि आल्टरनेटिव मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस एग्जिस्ट करते हैं आइडिया से ही निकलेगा ठीक एज सच मॉडल अभी नहीं एग्जिस्ट करता टू बी वेरी ऑनेस्ट चार सौ साल से इस्लामिक बैंकिंग पे कोई काम नहीं हुआ हुआ ठीक है हमारा जो इस्लामिक बैंकिंग का कांसेप्ट अब इंट्रोड्यूस हो रहा है वो बेसिकली सूद को रीब्रांड कर रहे हैं ठीक है लेकिन अच्छा ये भी अब इसमें सवाल अब अगेन वो छोटे छोटी चीज़ों के That's अंदर सवाल है बट अब आप ये भी देखें कि ये क्यों नहीं हो पाए और ये मकबूल जान ने वो एक बाहर के मलिशियन वो साहब वे यू नो लाइक वो यू नो अब वो क्यों नहीं हम लोग कर पा रहे हैं उसकी वजह है कि ये एक ओके लमजक यूनिवर्सिटी कितना बच्चा चर्न आउट करती है हर साल दो हज़ार तीन हज़ार पच्चीस साल की एग्जिस्टेंस में दस बीस हज़ार बच्चा आउट कर चुकी है उसके अंदर से आइडियाज़ निकलते आप मुझे बता दें पचहत्तर साल में सौ बंदे जो इस्लामिक रेफॉमेशन के पाकिस्तान में काम कर चुके हैं आपका पूल बहुत छोटा है सर पहली दफ़ा पूल का इख्तियार बढ़ा हुआ है कैसे सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास इख्तियार है ना ठीक है लोगों को पता है क्या हाफज कुरान हैं ठीक है क्या आपने एक आदमी है नहीं पता आई डोंट नो अच्छा भाई एक शरीफ आदमी है बिल्कुल आप गलत फहमी बना रहिएगा लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, ये प्लेटफॉर्म पंद्रह साल पहले आप बना ही नहीं सकते थे विदाउट पचास करोड़ की इन्वेस्टमेंट ओके एक्सेस चेंज हो गया उस एक्सेस के अंदर ऑल ऑफ अ सडन पिछले पचहत्तर साल में उतने इस्लामिक रेफॉर्मेशन थिंकर्स नहीं आए जिसे पिछले दो साल में आ गए तो वो मवाद एग्जिस्ट करता था उसको एक्सेस करने का तरीका नहीं था हम आइलैंड्स में बैठे हुए थे वी कुड नॉट कनेक्ट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा झेलम में बैठ के एक बहुत बड़े जिन को हाथ डाल सकता है इंटरनेट की बदौलत वो ना एग्जिस्ट करता तो कितने लोगों को पता है मौलाना फैसलाबादी का कितने लोगों को पता है चंद लोगों को पता है एक्सेस नहीं था ना तो एक्सेस इंक्रीज हो गया ऑल ऑफ अ सडन मैं यहां से बैठ के इंग्लैंड में रबता कर सकता हूँ ईस्ट में कर सकता हूँ इस्लामिक रेफॉर्मेशन का एक स्कूल बन सकता हूँ ठीक है वो आइडियाज बना के एक्सपोर्ट कर सकता है हर जगह जो चीज पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी इसी सिस्टम के थ्रू आपको ओवर मेरा अपना पर्सनल मैथमेटिकल बिलीफ है कि डेढ़ सौ साल पे आपको रेफॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि आसान चीज़ थोड़ी है यार आप जो बैंकिंग सिस्टम्स जो कल्चरल सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हो वो हज़ार साल पे परफेक्ट हुए हैं फॉर पर्टिकुलर पर्पजेज़ और उनके अपने ए टू जी टास्क हैं बाइनरी में वो ऑपरेट करते हैं यार हमने वन जीरो के कोर्ट पर चलना है अब इस सोच के अंदर कई रुकावटें आएंगी क्या जो एग्जिस्टिंग मेकेजम् हैं वो रुकावट हैं जो लोग इस्लाम के दुश्मन हैं वो रुकावट हैं जो लोग आपके मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं जो बेनिफिशरीज़ ऑफ़ प्रीवियस सिस्टम है वो रुकावट हैं और ये ताकतवर लोग हैं ठीक है थीके? इसके बावजूद आप रुझान देखो आम वाम का जहाँ पर ला दीनीत इंक्रीज़ कर रही है वहाँ पर दीनीत भी इंक्रीज़ कर रही है तो अगर मैं इसको बहुत एक सिली मैट्रिक देखिए गुड एंड ईवल हालाँकि मैं इसको इस तरह नहीं देखता लेकिन समझाने के आसानी के लिए जहाँ बदी बढ़ती है वहाँ अच्छाई भी इंक्रीज़ कर रही होती है तो यही वो मैकेनिज्म है और मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेट की पावर है वो अब जाके दुनिया को समझ आ रही है इसलिए तो अक्सर पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो जाता है ठीक है जब किसी ने फंड रेजिंग करनी होती है तो इस चीज़ को अब इस्तेमाल करके इस्लामिक रेफर्मेशन की थाट आ सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल फ़लस्तीन का इशू है आपको डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थाट्स की ओपिनियनल बहस पहली दफ़ा एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही है यूट्यूब पर राइट सऊदी और बेसिकली वहाबी और सल्फी कह रहे हैं कुछ के आ, अपने मुल्क की मीशत को तबाह करना बाय बॉय प्रोडक्ट्स ठीक नहीं है।, है कुछ आपको मिल रहे हैं जो कह रहे हैं बॉयकआट्स से ये एडवांटेज है कंज्यूमर को दोनों ओपिनियंस पाई दफ़ा एक ही जगह मिल रहे हैं जहाँ पे वो फैसला कर पा रहे हैं राइट तो वो बहस एग्जिस्ट कर रही है जैसा आपने इससे पहले का यार हमारा पर्पज़ ये है कि हम ओपिनियन सामने रखें अवाम डिसाइड करें आपने महरब और कैसे बाई की डिबेट कराई उसमें दोनों ने अपना मौकफ़ पेश किया मौकफ़ का फैसला अवाम कर लेती ठीक है ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था राइट तो मेरे ख़्याल से जो काम पहले हो ही नहीं सकता था हमारे वालदेन सोच नहीं सकते थे वो वाज मैर आप सोच सकते हैं हमारी औलाद उससे ज़्यादा सोच सकेगी इंशाल्लाह तो ये डेढ़ सौ साल का एक प्रोसेस मैकेनिज्म है इसमें बहुत मुश्किल आते हैं बहुत दुख है फ़लस्तिन की जो वीडियो उठाते हैं बहुत दुख होता है पाकिस्तान उसके बारे में कुछ कर नहीं रहा हालाँकि हमारे पास तो इस्लामिक बॉम्ब भी है ठीक है हमारे पास जन राहील शरीफ भी हैं थैंक यू राहल शरीफ तो वो मुझे नहीं पता वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं देखिए होता पता क्या है जब आप हों गुंडे इलाके के और आपको मिले भत्ता जंगे लड़ने के लिए तो बम फिर आप मारते हैं यमन ठीक है ना आपको पीछे से अमेरिका कहता है कि आप सऊदी जाके बैठ जाएं आप वहाँ जाके बैठ जाएं आप सबकी नौकरियाँ पक्की हैं हूँ मारो बम यमन यमन कौन है

डेमोक्रेसी हो डिक्टेटरशिप हो इस्लामी निज़ाम है सेकुलर निज़ाम है आई थिंक मुझे तो ये भी लगता है कि जो खान साहब की एक, 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 एक लाइन है कि यार हम आज़ाद लोग हैं ना ये बनना चाहते हैं आज़ाद नहीं अभी सॉरी गलत मैंने कहा आजाद आज़ाद कौम है हम आ, बट नहीं बन सके आ, वो मकसद था वाई डोंट लाइक like, पूरे डिस्कोर्स में वो बेशक इस्टेबलिशमेंट हो वो पोलिटिकल हो उनसे तो ऑबियसली उम्मीद नहीं है बिकॉज उनके तो वो ख़त्म हो जाएगा बट जनरल उसके अंदर वाई डोंट वी टॉक अबाउट अ न्यू निज़ाम मतलब ईरान है ईरान ने अपना देखा कि यार मेरे मुल्क में ये इस तरह चल रहा है आप बिज़नेस कर रहे हैं मैं बिज़नेस कर रहा हूँ हम लोग सुबह आते हैं देखते हैं शेर ये ये मसला और आइंदा से कल से जी एस ओ पी चेंज हो गया ये कर लो आपके वकील अदालतों में आप जरा जाके देखें एक बंदा खड़ा होता है जो आवाज लगाता है सर आपका मुकदमा आ गया है, आप इधर आ जाए तो उसमें पूरी जिंदगी सिर्फ काम ही उसका ही है कोई डिजिटलाइजेशन नहीं है बेचारे लोग सत्तर सत्तर सालों से पता नहीं सौ सौ सालों से मैंने सुना है केसेस चल रहे हैं हम ये सारी डिस्कशन तो करते हैं इस्लामी निज़ाम तो सेकुलरिज्म और ये वो सारा वाई डोंट वी इवन टॉक अबाउट के यार ब्रिटिश है इसराइल है कोई कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन नहीं है वो एमेंड हो रहा है साथ साथ अभी वाला जो सारा इसराइल का हुआ है मैंने डिटेल में तो नहीं पढ़ा बट आई एम श्योर पता नहीं कितने नए लॉज

और अमेरिका का समझौता होता, होता है और अमेरिका विड्रॉ कर जाता है और हम बॉर्डर बंद कर देते हैं एक मुल्क है हमारे साथ जो रीबिल्ड होना है उसमें हर चीज बननी है इससे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है नहीं हम बंद क्यों कर रहे हैं बॉर्डर मैं बताता हूँ बंद क्यों कर रहे हैं जो सिस्टम वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं हम नहीं चाहते उसकी भिनक भी पड़े वो सिस्टम सही है या गलत है बात की बहस है हम चाहते हैं भिनक भी ना पड़े हम ईरान का बॉर्डर क्यों बंद करते हैं जो सिस्टम वहां जाए उसकी भिनक ना पड़े ठीक है हम पॉपुलेशन को जकड़ते हैं कंट्रोल करते हैं थॉट को नहीं लेकिन ये उस तरह सही नहीं है ना कि अगर हम ये चाहते थे तो हमने फिर पंद्रह साल बीस साल सपोर्ट क्यों किया नहीं हमने सपोर्ट नहीं किया मैं अगेन वो बताता हूँ मुशरफ साहब से पहले जब हमने अफगान मुजाहिदीन वहाँ खड़े किए हैं तो हमारे जो हुक्मरान थे उनको फाइनेशली सूट करता था कि वो खड़े करें फिर हमने नैरेटिव फ्लिप कर दिया उस नैरेटिव फ्लिपिंग के अंदर हमने साथ जो अवाम का नैरेटिव था वो भी फ्लिप करने की कोशिश की और टू सम एक्सटेंड हम सक्सेसफुल रहे बस हमने जहाँ था कॉन्सेप्ट मुशरफ के दौर में ख़त्म कर दिया पोस्ट मुशरफ डॉक्ट्रें जो है उसके अंदर जहाँ का कॉन्सेप्ट चाहे वो कश्मीर में हो चाहे वो अफगानिस्तान में हो चाहे वो फलस्तीन में एक्जिस्ट नहीं करता आपके इस्टेबलिशमेंट में और पॉपुलेशन में भी काफ़ी बट बैक एंड पे आप सपोर्ट कर रहे थे मुल्ला उमर ओके वो वो ओके वो वो आप छोटे छोटे न्यू पोलिटिकल गेम्स खेल रहे होते हो सही है पैसे बढ़ाने के लिए बेसिकली क्या कहते हैं कि क्लाइंट uh, को हम कहते थे प्रॉपर्टी के अंदर जी तीन पार्टियाँ लगी हुई हैं रेट बढ़ाने के लिए कोई पार्टी नहीं होती सही आप सौदा बेहतर कर रहे करेंगे लेकिन ये तो मतलब आई थिंक ये तो ऑबियस है ना कि हकानीज़ को आप प्रॉपर सपोर्ट कर नहीं, रहे करेंगे क्योंकि फिर अमरीका आपको ज़्यादा पैसे देता है जब आप ओके okay, अफगानिस्तान के अंदर एक टेरिस्ट एक्टिविटी होती है फलां प्रोवेंस में ठीक है आप करवाते हो हुँ. या ईरान में होती है या मिडल ईस्ट में कहीं पे होती है उसकी वजह से एक नीड क्रिएट होती है इंटरवेंशन की उस इंटरवेंशन को करने के लिए आप बेस्ट सूटेड होते हो तो आप प्रॉब्लम भी बनाते हो उसका सोलूशन भी पेश कर देते हो उसके डॉलर ले लेते ले हो ठीक है और ये हमने सी आई ए से ही सीखा कि पहले एक डिक्टेटर ड्रॉपअप करो निकरागवा में उसको लड़ाओ कम्युनिज्म के खिलाफ फिर उस डिक्टेटर को प्रॉब्लम डिक्लेयर करो फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो और फाइनेंशियल रिसोर्सेजा कर टेक ओवर कर लो ये पुराना मॉडल है कोई नई नही चीज़ नहीं। लेकिन डू यू थिंक ये एक ही रीजन थी क्या ये जो आप बता रहे हैं ये भले के पैसे लेने के लिए या uh, और भी मल्टीपल है लाइक फॉर एग्जांपल एक जियो स्ट्रेटिजिक एडवांटेज था उस वक्त जो हमने लिया सो बोथ बिकॉज जियो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजमोस्ट इनविटिवली फाइनेंस से लिंक्ड होता है बिकॉज आप जियो स्ट्रेजिक एडवांटेज लेते हो ग्रेटर फाइनेंस का ठीक है लेकिन इस वक्त आपने उसके ऑपोजिट डिसीजन ले लिया ग्रेटर फाइनेंशियल डिसीजन ये कि अफगानिस्तान रीबिल्ड करो और वहां पर अपना कारोबार करो ईरान करो लेकिन आपने वो डिसीजन इसलिए ले से क्योंकि आप सत्तर साल से किसी के पेरोल पे हो तो जब आप सत्तर साल से किसी के पेरोल पे होते हो वहां से जब आप नौकरी छोड़ते हो बड़ा मुश्किल होता है एक बंदा गया था रशिया नौकरी छोड़ने लाके फा करता वो क्यों गया था रशिया वो एक और वजह सही है मतलब उसको रशिया भेजा गया था टेस्ट करने के लिए पानी ठंडा है गर्म है जब पता चला पानी बहुत गर्म है तो सब ने हाथ उठा लिया पीछे से ठीक है मग ये हो ही नहीं सकता बट आप पा... पानी गर्म पानी के ऊपर खुद रशिया को कह रहे हैं कि सर आए ना मतलब देखिए इस लेकित... वक्त तो पाकिस्तान पूरी बीस साल कहीं से भी पैसे लेगा ठीक है इस वक्त जो सिचुएशन बन गई है बिल्कुल फांक हो गया है और बिल्कुल आसमान दीवार से लग गया है और जो क्लासिकल आपका डोनर है उसको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी जंग है जिसमें इसको शामिल करूं जिस जंग में वो शामिल करना चाहते हैं पॉपुलेशन इजाजत नहीं देती सऊदी अरबिया इस वक्त एयरबेस दे रहे ना दुबई दे रहे ना तो पाकिस्तान भी दे तो पैसे मिलते हैं सर लेकिन पॉपुलेशन इसकी इजाजत नहीं दे यार चलो अफगानी तो हम मार लेंगे ठीक है लेकिन यहूदियों के साथ भी खड़े हो गए हमारी पॉपुलेशन का अभी भी एक मॉरल कंपस है वो ये वो डॉक्टर नेशन है जो आप छुपाने और फल के बड़े सख्त बयान है हमारे दफ्तर में वो हैं तो हम हैं जब वो जाएंगे हमें बहुत दुख होगा क्योंकि काकड़ साहब जब बयान देते हैं ना क्या अच्छा साती है काकड़ साहब कहते हैं उनका जो बयान है कायद है लेकिन नबी नहीं है भी कुछ बातें गलत हो सकती हैं यार पता नहीं ये का भी है या नहीं जी जी का नहीं वीडियो वीडियो पे, पे, पे नबी वाली बात तो वीडियो okay. पे ठीक तो है मैं को कादम्ला कहता हूँ तो मेरे लिए कायद अजम वली है। लेकिन वो नबी नहीं है तो उनकी बात से रजू हो सकता है और मैं जो मौकाफ़ पेश कर रहा हूँ वो मेरा मौकफ़ नहीं वो दुनिया के एरिया टू टूस्ट स्टोल्यूशन है तो तुम क्यों बोल रहे हो भाई तुम चुप करके घर बैठ जाओ तुम यह अपना मौकफ़ बताओ कि भाई असल में मुझे लगता है टू टूस्ट स्टोलूशन ठीक है और मैं अनवर हक आकर इंटरन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये कह रहा हूं ये कहने का तुम्हें हिम्मत नहीं है तो तुम ऐसे तोड़ मड़ोड़ के कहानी पेश करते हो पांच साल पहले मुबशर मुबिरान ने कहानी पेश की कि मेरा ख्याल है इसराइल के साथ ना ट्रेड होना चाहिए क्योंकि ना उनके पास जो टेक्नोलॉजी है ना वो हमें चाहिए वो टेक्नोलॉजी वो बानी है उसके नहीं वो टेक आपको वैसे ही मिल सकती है की टेक आप कहां से लेके आप यूज़ कर रहे हैं सर उनका क्या क्या आप यूज नहीं कर रहे हैं। मैं आप देखे आप दुबई चीज मंगाते हैं उसको रीब्रांड करते हैं पाकिस्तान मंगा लेते हैं है वो इसराइली ठीक है मैं आप इतने से बड़े इस्लामा मेड इन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं सर मैं आपको यही तो पेट रहा हूँ कि जब आप पचहत्तर साल से ऐसे जकड़े सोच को और लोगों के साथ डंडे भी मारें कोई चू करे उसको गोली भी मार दें चाहे वो किसी और मुल्क की बैठा हो ठीक है तो कौन जरूरत करेगा और फिर जो आपने बात की कि हम एज ए कलेक्टिव नेशन क्यों नहीं ये थाट पर आ रहे मेरे ख्याल है अब आ रहे हैं अब क्यों आ रहे हैं बिकॉज थाट को या गुफ्तु को जगह चाहिए एक टेबल चाहिए एक माइक चाहिए दो कैमरे चाहिए ठीक है ये पहले कहाँ था नहीं था आज है मैं और आप जो बातें कर रहे हैं आप जियो पे करके दिखाएं करें ना एयरवाई पे करें सवाल ही पैदा नहीं होता ठीक है सेंटर मुश्ताक ने थोड़ी सी ज़्यादा बात की थी तो उनको जगह से फ़र्क आती है ठीक है तो ये ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट आज करते हैं अमेरिका के अंदर ऑल्टरनेटिव जब एग्जिस्ट करना शुरू हुए तो पहली दफ़ा आम बंदे को पता चला कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सेम है ठीक है इंडिया में ये ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट हुए तो पता चला कांग्रेस भी गंदी है भाजपा भी गंदी है आम आदमी पार्टी में भी प्रॉब्लम है ठीक है ना आपके जितने पोलिटिकल चैनल प्र, सॉरी पोलिटिकल चैनल कह दिया वैसे सही जितने चैनल हैं आपके ठीक है उनके मालिक देखें उनके रुझान देखें और फिर उनका कॉन्टेंट देखें हुँ. भाई मैं ऐलान कह रहा हूँ कि मेरे इमरान खान ठीक है इस वक्त छुपा नहीं रहा किसी से मेरा भाई ऐलान कहता है जमात ठीक है छुपा नहीं रहा ये मेरे मौकाफ है ठीक है हम आपको पेश कर रहे हैं आपको पसंद आए ना आए आप गालियां दें ये आपका हक है ना हम आपका हक मारे हैं ना आप हमारा हक मार रहे हैं लेकिन यही गुफ्तगु आप वहां करें नहीं हो सकती इसलिए पहली दफा ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो जहां तक सिस्टम या मेकनिज्म कंसर्न है जमूर या आमरीत यह इेलिवेंट बहस सबसे पहले कि मुझे बता दिया जाए कि अवाम की जहन साजी की जाए कि इस्लामिक कलेक्टिव गोल क्या है पैन इस्लामिज्म क्यों खत्म हो गया ओ के सारे बंदे क्यों मारे गए ओ की जितनी पावर थी वो न्यूट्रल क्यों करती गई है बिकॉज जिस तरफ वो डायरेक्शन दे रहे थे बंदे वो ज़ाती तौर पे जो मर्जी थे उनके जाती ऐप जो मर्जी थे वो इलाह बैस है पर जो उस चीज़ का पर्पस था वो जिस तरफ डायरेक्शन दे रहा था तो वो एक पावर ब्लॉक था जिस तरह ई है जिस तरह नेटो है जिस तरह नॉर्थ अमेरिकन टी टी है ठीक है जब वो पावर ब्लॉक आपको नजर आया जिसकी बैकबोन तेल और सारे का सारा दुनिया का ट्रेड का समंदर है वो एक जगह इकट्ठा हो रहा था तो कैसे जो एग्जिस्टिंग को इजाजत दे सकती है ठीक है और हर मुल्क के अंदर भगौड़े मौजूद होते हैं ठीक है उनको आप पे देखें सौ मिलियन डॉलर कितने पैसे होते हैं फैदम करें सौ मिलियन डॉलर कितने होते हैं कितने अरब होते हैं कितने खरब होते हैं फैदम करें कि आपकी जिंदगी कैसे चेंज करें आपको सौ मिलियन डॉलर मिल जाए आपकी नस्लें कैसे चेंज कर जाए हमारे वाला साहब कहते हैं कि हर इंसान का रेट है किसी का दस लाख है किसी का दस करोड़ है किसी का सौ अब है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे कभी वो पैसे ना ऑफर हो जो मुझे मजबूर कर दें अपने आप को बेचने के लिए ठीक है हर इंसान देखें अमीर मुआविया ने क्या किया था यजीद ने क्या किया था अमीर मुआविया कौन है साहबी है ठीक है ना किसके खिलाफ जंग लड़ी हजरत आयशा कौन है उम्मत की माँ है तो जब अब के अंदर दुनियावी या कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है तो मैं और तो चीज ही कोई नहीं ठीक है ना तो जब हम मोरालिटी जो इस्लामिक है उस लेंस से हट जाते हैं फिर तो रेट रेस है ना तो सबसे पहले जहन साजी होनी चाहिए कि इस्लामिक गोल्स क्या होते हैं फरखंदा नूर मोहम्मद वाले नहीं, असली दीन के नहीं फिर आपके लिबरल्स कहेंगे ये तो ये तो क्या तालिबान आप लाना चाहते हैं ये तो आप ये करना चाहते हैं वो कैमरा मेरे हाँ। जी लाना चाहते हैं <laughs> मेरा हक नहीं है कहना मेरा हक नहीं है कि मैं डिटर्मन करूं मेरी बच्चे मेरी फैमिली किस मुल्क में रहे मैं वो अचीव कर सकूं ना करूं भैंस हाँ, मैं बंदा नहीं मार सकता उसको अचीव करने के लिए मैं तोड़ फोड़ नहीं कर सकता उसको अचीव करने के लिए मैं किसी के हक यू सर्व नहीं कर सकता और जो आपके व्यू के खिलाफ भी हैं उनके लिए भी ये मुल्क उतना ही है क्यों मदीना में यहूदी नहीं थे ये लोग भूल गए आई थिंक द प्रॉब्लम इधर वही है ना कि आई एग्री विद यू एंड आई एग्री विद द लिबरल साइड एज वेल कि आई थिंक वो पूरी डिबेट इतनी कंफ्यूज हमने कर दी है ना कि उसको लगता है कि अगर वो आ गया तो मैं चला जाऊंगा अगर वो आ गया तो मैं चला जाऊंगा कमिंग नए निज़ाम का हमने कर लिया और लोग इसकी एग्जांपल तालिबान 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 आई से एक ज़माने में था डाई डाउन हो गया या हुआ नहीं दोबारा आएगा वट बट अब लोग सबसे मतलब एग्ज़ाम्पल देते हैं अच्छा ये जो साथ चल रहा है आप ये चाहते हैं इधर अब वहाँ भी जहाँ इस्लाम थोड़ा बहुत आया भी है या जिस मकसद के लिए अलग से तालिबान ने लिया अब वहाँ हमें भी वो भाला इस्लाम मतलब औरतों वाली सारी की सारी वो बिनो वहाँ कुछ चल है कि अब स्कूल्स बंद हो गए सारा कुछ हो गया हमारा कोई स्कॉलर उस पर बात नहीं कर रहा नंबर वन वहाँ के जो बड़े स्कॉलर्स हैं ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं अब जब आप उनसे डायरेक्ट बात करें वन ऑन वन जो मुझे मौका मिला उनके ऑफिशल से बात करने का उन वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है थोड़ा सा जो, जो से हाँ, है अब उसके अंदर भी दो हैं एक पुराने कंधार के जो स्कॉलर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा वो और एक जो जरा नए बॉय है जो अंग्रेजी से अंग्रेजी अलज़ीरा पे बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं वो तो बिल्कुल कूल है ना उनको देख के मैं थोड़ा सा वो हो गया था एक के साथ बल्कि मेरी बात हुई आ, और उसने कहा कि सर ये जो आप व्लॉगिंग श्लॉगिंग कर रहे हैं ना ये तो अभी ईजाद है मेरे पास जो डाटा पड़ा हुआ है ना दस साल पंद्रह साल का डाटा है मेरे पास तो आप मुझे बताएं कि इसको हम क्या कर सकते हैं एनी हाउ द वो जो बात असल में ये है कि वो अब वहाँ भी हम वो नहीं ला सके ना अब एक एक अल्लाह ताला ने मौका दिया उन्हें कि अगर वो दुनिया को दिखा सकें आ, और पाकिस्तान में भी आप मेंबर के ऊपर जो मौलवी बैठा हुआ है उसने औरतों के हकूक मुझे नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट उस तरीके के साथ कभी बताएं आ, एक और जो बहुत बड़ी चीज़ मुझे लगता है कि हम लोग औरतों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी उनको ये करना चाहिए वो करना चाहिए किसी खुतबे के अंदर हजर खतीजा का कोई जिक्र नहीं कर रहा, नहीं रहा। कि अल्लाह के नबी जो हैं वो उनके इम्प्लॉज है हाँ, और वो उस ज़माने में जब औरतों को आप दफना रहे थे बच्चियों को वो एक ऑन्टरप्रन्य औरत जो है वो उनके काफ़िले जब चलते थे तो पता ही नहीं था कहाँ से कहाँ तक है देखिए इसमें दो चीज़ें आपने की हैं और ये लिबरल करते हैं आपने वर्स्ट एग्जांपल चुनी है और कह गए ये इस्लाम है ओके मैं कहता हूँ सेकुलरिज्म इंडिया है डिफेंड करके कर दिखाओ नहीं कर सकते ओके बेस्ट एग्जाम्पल बताओ क्या है? दोनों केसेस उनका डिबेट करते हैं वर्ड्स के अंदर तो बेसिकली आपने ही नहीं किए हुए इंडिया इज नॉट सेकुलर तालिबान इज नॉट इस्लाम तो वो तो एग्जाम्पल ही कोई नहीं है दुनिया में भी? क्यों नहीं है ना कौन कौन हमारे पास तो है सेकुलर के पास तो नहीं है हमारे पास है, है। नहीं, नहीं वो तो, लोग रीसेंट, रीसेंट मैं अगली बात पे आता खुलफाजी ना ये मुझे पता था यही बात होगी कि जी वो ज़माने में ना डिफरेंट सिस्टम्स थे अच्छा क्या डिफरेंस था डिफरेंस ये था कि आपने पचहत्तर साल के सूद नहीं लिए हुए थे आपका मुल्क ढाई सौ बिलियन डॉलर कर्ज में नहीं था नो प्रॉब्लम आप वर्क बैक करें जब हज़म मोहम्मद या एडवेंट ऑफ इस्लाम हुआ है पूरे अरब मबालिक में तो वहाँ क्या निज़ाम था और हज़म मोहम्मद वसल्लम ने उसके बरक्स क्या निज़ाम खड़ा किया था हज़म महल की ज़िंदगी आसान थी हजम जब फौत हुए हैं तो जिस तकलीफ में वो जहर की वजह से जो उनके लिवर में था फौत हुए जो उनको बुखार चढ़ता था कि उनकी बेगमात उनको ठंडी पटियाँ करती थी और जिस तकलीफ़ में हजम तकलीफ तकलीफ की एक जिंदगी का लम्हा बता दें जब सुकून था बताए नहीं है खुल्फा राजदीन की जिंदगी का एक लम्हा बता दें जब सुकून था लेकिन अब देखें वो जनाजे के ऊपर भी लोग कहते हैं कि कितने लोग आए थे वहाँ अभी बड़ी वो मतलब किसके जनाज उस उधर से ही वो लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी वहाँ नहीं मैं के बात समझा so, so जब जब? अच्छा अब, अब अब अग, अगले खुलफा पे बहस हुई फिर अगले पे हुई फिर अगले पे हुई फिर अगले पे हुई ठीक है जब खुल्फा की बहस खत्म होगी उसके बाद क्या हुआ हजरत बकर के चार साल की बात करें हजरत उमर के दस साल की बात करें क्या हुआ एक इनिशियल पावर स्ट्रगल हुआ और वो पावर सर्कल ये नहीं हुआ कि पीडीएम बन गई और ये हुआ और वो अब बंदे अंदर हो गए हुई ठीक है ना भैंस के बाद क्या हुआ जब भैंस होकर अमीर चुना गया उसके बाद जो सिस्टम हुआ उसके क्या रिजल्ट थे बताए ना वो तो आपको बराबर के हिस्टोरियन मिलते हैं जो नॉन इस्लामिक जो बताते हैं क्या हुआ कि ऐसी दुनिया कहमी जो हमने देखी सोची समझी नहीं थी कि अमीर उलमन जब चल के आ रहा है जरूसलम तो ये नहीं पता चला कि अमीर कौन है मुलाजम कौन है जब वो शोर है वहाँ पे जरूसलम में तो जो पंड प्रीस्त है वहाँ पे वो हैरान है कि ये अमीर देखिए ना ये बातें भी करें आपका जो नंबर वन बहस इस एग्जाम्पल पर आती है वो कहते हैं कि जी मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम से अप्लाई नहीं करते हम तो पिट रहे हैं कि मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम है ही नहीं इस्लामिक आपको क्यों लगता है वो इस्लामिक है एक सिस्टम जो बनाया ही नॉन इस्लामिक लोगों ने है फॉर नॉन इस्लामिक पर्पजेज टू सपोर्ट पूरा क्रेडिट लाइन सिस्टम वो आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं जो काम मैं कह रहा हूं मुश्किल है मुश्किल काम पे चलते हुए सबकी फट फट जाती है लेकिन है यही भाई और दूसरा मुझे ये बता दें कि तबलीगी जमात क्यों कहती है कि जब दीन की राह पे चलेंगे जिंदगी में बहार ही बहार है कौन सी बहार है हजरत मोहम्मद अगर दीन पे उन पर ना नाफ़ुज होता तो उनकी जिंदगी तब आसान थी या दीन नाफज होने के बाद ना होता तब आसान थी लीडिंग बिजनेसमैन हैं, है शादी हो गई है कबायल में लीडर हैं हर चीज़ उनके हक में पाड़ी है उन पर दिन नाफज हो गया उसके बाद क्या ज़िंदगी है हजरत उमर हजरत खास बिन वलीद कोई साहबी अबू जरगारी इनकी ज़िंदगी आसान थी सलाउद्दीन यूबी की जिंदगी आसान थी कुरदिस्तान कहाँ है सलाउद्दीन यूबी की जो कौम है उसका मुल्क नहीं है सुलत भाई मुश्किल रास्ता है इस्लाम का तबलीगी जमात को इग्नोर किया करें प्लीज वो समर कैंप है लड़कों के लिए ठीक है हम उसको ये समझते हैं और इस्लाम ये भी नहीं है सरतन से जुदा इस्लाम एक फिलोसफी है इस्लाम एक जिंदगी का तरीका है एक मीशत का तरीका है इसको समझें ठीक है ना लोगों को ये नहीं पता कि आप पानी और से दूध पानी मिक्स वाला बेच सकते हैं बता के मंडियों में खुलफा राजदीन के टाइम पे तीन रेट होते थे ये इतने का ये इतने का ये इतने का मिक्स बताया जाता था अब ये किसका काम था बताना बताएं ये काम था आलमों का अब आप मुझे बताएं आलमों की डेवलपमेंट किसने की है अब आप मुझे बताएं कि अब्दुल वहाब कौन था साउथ गवर्नमेंट को ब्रिटिश एम्पायर लेके आया था मिलियन पाउंड रिश्वत दी गई थी जो जॉर्डन में बादशाह बैठा हुआ उस वक्त उस वक्त जगह काबज था इनमें से कौन दीन को नाफज कर है कोई भी नहीं ये तो आम रीतें हैं और इसके खिलाफ स्ट्रगल करना इस्लाम है आप मुझे बताएं कि अला सुबह तआला गारंटी देते हैं रिजल्ट की या गारंटी देते हैं अजर की अजर की आप यहां से जाएं मसाला से इशा का टाइम है मस्जिद की तरफ नहीं करके मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं बात रास्ते में मारे जाएं अजर नमाज का तो भाई आप सीधे रास्ते चले रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में रिस्क मुकर है मेहनत आपने करनी है ठीक Allah ने मुकर किया तो अगर आप मुझे बहस ये ये करें कि आप देंगे तो हम चलेंगे तो फिर गैब का ईमान है पाकिस्तान में जो इस्लामिक आप कहें एको सिस्टम है जमात इस्लामी ले लें आप, आप उसके बाद लें आप जंगवीज ले लें आप भी तो देखें जो एक जो भी लिबरल है लिबरल ना भी वो एक आम भी बंदा है वो कहता है कि यार इन लोगों ने क्या किया है आप आपने खुद बात की कि इस्लाम तो एक सिस्टम है ना हमने तो उसको नमाज रोजा हज जक़ात और बस हकूक और उसके बाद शाम को बैठ के जब आपका स्टार प्लस लगे तो तस्वीर लेके आप उधर ही मसल के ऊपर ही आप देख रहे हैं प्रॉब्लम मतलब मैं तो मुझे लगता है तो हम लोग तो पता नहीं मेरी किससे बात हुई थी पीटीआई के कोई बंदा था तो उनको तो लग रहा था इनकला शायद हमारा आ जाएगा खान साहब के बारे में है। बट उसके बाद वो ये वो कॉम भी तो आपने देखनी है ना उस कॉम के खून के कोई डी आप ले अब हम अपने आप को टर्क से और इरेनियन से मिलवाते हैं अब हमें तो एग्जैक्टली exactly, मुझे लगता है कि जो मुशरफ साहब वाला इस्लाम था ना कि मिक्स वाला किया रात को जाके कॉन्सर्ट और वो भी चल रही है और सुबह नमाजें शमाजे भी गांधी साहब को लाए और ये वाला किया साहब ने बहुत किया बट कुछ जगहों पर यू नो वो मसले मसाइल जो थे जोल खा जाते हैं। जो भी, I really respect him, बट कुछ लेकिन जो उनकी फिक तो, की नॉलेज है बट अगेन कमिंग बैक टू के वो हम लोग एज अ कॉम शायद सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान ही ऐसा है कि वो ना दोनों साइड वो जरा ना साइडी ना, 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 ये, ये उसकी वजह यह है, है सब कॉन्टिनें का मुसलमान ऐसे नॉन सेंस है सब कॉन्टिनें का मुसलमान बाई नेचर रिफॉर्मस था ठीक है तो क्या पूरा पंजाब आप देखें तो मुकम्मल कर लेकिन सर कोई दिक्कत नहीं सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान कौन है इलाके डिफाइन कर दें पहले सब कॉन्टिनेंट डिफाइन कर दें और मुझे बताएं कि पिछले पाँच हज़ार साल से यही बाउंड्री है सब कॉन्टिनेंट की खत्म होगी बात भाई सब कॉन्टिनेंट कुछ नहीं है सब कॉन्टिनेंट टेक्निकली स्पीकिंग ना अगर, अगर अपना डी एन ए मैप करें तो मेरा ख्याल है मिडिल ईस्ट से शुरू होता है और जाके ये जो आपका ईस्टर्न एंड है यहाँ तक है तो सब कॉन्टिनेंट कुछ नहीं है विक्रम आदित्य कोई एम्पायर नहीं था ये कहानी शरीफ है ओके एक मुगल सल्तनत से दूसरी मुगल सल्तनत पे बाउंड्रीज डिफाइन होती थी एक डेली सल्तनत से दूसरी पे तो ये कोई जत्ता नहीं है ये एक का नहीं है सर सबसे पहले इस एरियाज को समझे हाँ पंजाब जब आप कहते हैं तो ये हिस्टोरिकली एक लैंड है अब इस लैंड की दो डेमोग्राफिक्स हैं एक नॉर्दर्न है एक सदर्न है एक पहाड़ों के लोग हैं और एक फ्लैट लैंड के जरखेज इलाकों के लोग हैं दोनों की जबिलत में फर्क है एक के पास फाइनेंशियल रिसोर्सिस नहीं थे एक के पास थे जिसके पास नहीं थे वो रेडर बन गया जिसके पास थे वो फ्लैट लैंड पे एक्सेप्टर बन गया मंगोल कौन है तुर्क कौन है ठीक है ये अफ़गानी पठान जो है ये कौन है ये रेडर है तो ये तो डेमोग्राफिक आपकी सॉरी जियोग्राफी की वजह से आपका डी एन होता है इसके ऊपर इस्लाम है ठीक है ना इस्लाम वाहिद वो चीज़ है जो इन चीज़ों के बावजूद आपको कानून देता है ठीक तो सब कॉन्टिनेंट एक मोनोलिथ नहीं है नंबर वन सब कॉन्टिनेंट सच कुछ भी नहीं है इंडिया कुछ भी नहीं है पाकिस्तान कुछ भी नहीं है ये छोटे 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 कबाइल और इलाके अब इन कबाइल और इलाकों में जो दीन पहुँचा है वो कौन सा है कैसे पहुंचे जो आपको पंजाब साउथ में और इंटीरियर सिंध में बरेलवीजम का एक स्ट्रॉन्ग सूफी पीरी ट्रेडिशन मिलता है क्योंकि एडवेंट एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम वहां पे उन्होंने किया था तो वो एक फिलोसॉफिकल थॉट क्रिएट करता है ठीक है यहां पे इंजीनियर साहब आते हैं जिन्होंने इन सब को उठा के कटहरे में खड़ा करके बताया कि तोहहीद क्या है मैंने अब वो क्या कहा है कि एडवेंट ऑफ इंटरनेट से फाइनली कनेक्टिंग ऑफ माइंड हो पा रही है ठीक जब उन्होंने यह काम कर दिया तो पहली दफ़ा एक अठारह साल का बच्चा यूनिवर्सिटी में कहता है कि यार अच्छा हम तो एक हैं ये जो इख्तलाफ है हैं हमारे ऊपर ये तोहद के मामले में एग्जस्ट कर नहीं सकते और जो कह रहे हैं वो तो बेसिकली हमें तोहेद से हटा रहे हैं अब अगला स्टेप इसके पे क्या बनता है उसका इंजीनियर साहब करें होता है कोई और कर दे क्योंकि हु, क्यों जो स्कूल ऑफ थॉट होती है वो मल्टीपल लेयर्स पे होती है अगला स्टेप ये है कि इस उम्मत को यूनिफाई कैसे करना है ठीक आप मुझे बता दें पंजाबी और पठान में क्या सिमिलरिटी है जीरो आप मुझे बता दें कि साउथ बॉम्बे में जो रहता है उसमें और जो लद्दाख में रहता है इंडिया में क्या सिमिलरिटी है ज़ीरो आप मुझे बता दें कि जो डच न्यूयॉर्कर्स हैं और जो आयरिश न्यूयॉर्कर्स हैं उनमें क्या सिमिलरिटी है पूरी दुनिया ने बेचा चूरन नेशनलिज्म का हम आपको कह रहे हैं कि कोई चूरन ना बेचो इस्लाम दो ठीक है जो वाहि चीजें यूनिफाई करती है इंसान को जब आप इस पैराडाइम को शिफ्ट करते हैं कि भाई हम एक हैं और एक के बाद आप यकजहती की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हैं जो अगले सौ साल में इंशाल्लाह होगी तो आप देखेंगे पूरे माशरे में तब्दीली आएगी मेरा क्या काम है या आपका क्या काम है इसको उस तरफ धक्का देना जिस तरह आपने बेहतरीन सवाल पूछा कि सर आमरीत के जमहूरियत मैं क्या रेलिवेंट है पहले मैं दस एंड गोल क्या उस पर वर्क करते हैं उसके बाद आपने सवाल पूछा कि जो मोनोलिथ ऑफ सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर इस्लाम मिक्स ये वो बुलाबला उसका भी समझाया जाएगा यार वो ऐसे नहीं है और उसके बरक्स काम शुरू हो चुका है ठीक है जिसमें इंजीनियर मैं समझता हूँ कि सर फहरिस्त है और अल्लाह उनके अच्छे कामों की उनको अजर बैठते क्यों नहीं है लोगों के साथ मार देंगे उन्हें इसलिए वो इसलिए नहीं बैठते बट वो क्यों मारे जाएंगे बट इस तरह पॉसिबल नहीं है कि कोई

जो उनका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है स्कॉलर्स का आया बेशती है मसूद हाँ। हनीफ करी साहब वो क्यों नहीं बैठते बैठते आप वो किस जगह नहीं बैठते वो किस चीज़ से बैठते हैं वो असूल पूरे कर दें और बैठ जाते हैं असूल क्या है अब तो आप उन्हें डिफेंड कर रहे हैं ना? नहीं नहीं <laughs> मेरी पूरी पूरी, पूरी वीडियोज़ हैं उनके खिलाफ मैं लेकिन देखें कोई बंदा हंड्रेड ठीक नहीं कोई हंड्रेड परसेंट गलत नहीं हम जो हमारी अकल में समझ आता है सही उसके साथ खड़े हो जाते हैं उनका असूल ये है कि आप असूल बहस के तय करें उनकी फील्ड है आपके फिक के मसाइल आप उसके असूल तय कर लें और आप साबित कर दें कि जो एलिगेशन आप पे लगाई हैं उस पर डिफेंस के है उसके लिए आप फिजिकली झेलमाना चाहते हैं या वीडियो बना के लगाना चाहते हैं दिस इज योर चॉइस ठीक है अगर आप बिन बुलाए वहां पहुंच जाए और बाहर वीडियोज बना दें और चढ़ा दें ये ये दिखें आपको फोन करके आए रिक्वेस्ट की गया तला भाई पॉडकास्ट करते हैं दरवाजे पे दस्तक पर हैं मैं पॉडकास्ट करनी को नहीं, ये से क्या कर रहा है बंदा अब आप उनसे क्या बहस करने आ रहे हैं आप दुकान बचाने आ रहे हैं हिम्मत करें हुँ. कोई और धंधा ढूंढे जो चूरन बेचने से नहीं बिक लेकिन अब आप उसमें यह भी तो देखें ना कि ना दुकान उनकी कभी बंद होनी है मिर्जा साहब की तो चल रही है इंजीनियर साहब की ना हनीफ कुरैशी की बंद होनी है ना माँ मुफ्ती मसूद साहब की बंद होनी नहीं है नहीं नहीं। और ना किसी और

कि आपने पूरे पाकिस्तान में या पूरी मुस्लिम उम्मा में या पूरी दुनिया में ना सारों ने मुसलमान होना है ना सारों ने काफिर होना है एक एक बीच में दोनों ने रहना है दिस इज वट दुनिया इज ऑल अबाउट अब हम लोग ये कि वो अस वर्सेस देम में लगे हुए हैं और हर बंदा अपनी अपनी दुकान वो करवा रहा है आप ये करें यार दिस इज़ माई बिलीव दिस इज़ माई एरिया यहाँ ये चलेगा वहाँ ये चलेगा यहाँ ये चलेगा और ग्रे एरियाज हम करेंगे तजारत भी होगी ये भी होगा जो आपने दो, ये दो डिफरेंट बातें जो आपने बात की कि कैसर भाई महरभ के साथ बैठे वो एक और किस्म की बहस है और एक बहस है कि इंजीनियर साहब कैसर साहब साहिल साहब मुफ्ती हनीफ कशी साहब मुझे में ये क्यों नहीं इकट्ठे बैठे मुफ्त तकी साहब क्यों नहीं कट्ठे बैठे हुँ। इसकी और वजूहत है इसकी और वजह ठीक है इसकी वजूहत मैंने आपको समझा दी कि भाई उसका फ़िक का फील्ड है जो आपके फ़िक में इशूज़ थे आप उसको वीडियो बना के जवाब दे मामला खत्म उसके बियॉन्ड उसका स्कोप नहीं है वो बिल्कुल भी आप कह कि पोलिटिकल फिलासफी ऑफ इस्लाम में कोई डिबेट नहीं करता उसके लिए और बंदे बैठे आपने उनसे बहस करनी है उनसे बहस करें ओके okay. ये चैप्टर क्लोज जब आप इधर आते हैं कि बेसिकली महरब वर्सेस कैसर ओके ऑन व्हाट व्हाट इज द इशू अगर द इशू इज सेकुलर पाकिस्तान वर्सेस शरीयत इन पाकिस्तान तो आप मुझे बताएं कि महरब ऑनेस्टली बहस कर सकता है ये नहीं पूछें क्यों मेरे के पास इख्तियार है पाकिस्तान में वो फ्रीली डिस्कस कर सके कि एथियस्टिक सेक्टर आइडियालॉजी क्या होती है क्यों इंप्लीमेंट हो जी? नहीं ये बहस बेमनी है वो ऑलरेडी वीक फुट पर एग्जस्ट करता है तो ये बहस करानी ही नहीं चाहिए यही कैसर साहब को मैंने कहा था कि आप बेसिकली हैंडी कैप्ट बंदे से बहस कर रहे हैं आप और मैं जाते हैं बाहर किक बॉक्सिंग करने में बीस साल से करूँ आपने कभी नहीं कहीं फेयर फाइट नहीं

और वो आपको इस्लामिक मोरालिटी से हटा रहा होता है पाकिस्तान में कोई आए कह सकता है कि मैं मोरालिटी कर रहा हूं। नहीं तो वो जब पूरे हथियार लेके बहस ही नहीं कर सकता तो तुम उससे बहस क्यों कर रहे हो भाई देखें एक गन फाइट है और आपके पास गन ही नहीं है आप क्या करेंगे नहीं, लेकिन ये भी है ना वो महरब शायद वो ये हो ना एजेंडा द एजेंडा प्रॉब्ली बात दोनों सेम ही कर, कर रहे हैं कोई कान कहाँ से पकड़ा है कोई कान से नहीं मुझे मैं इसलिए इसलिए ये बात कर रहा हूँ मैं ला, आ, इस लास्ट ईयर वुमेंस डे के ऊपर ब्रिटिश काउंसिल के पैनल पे था और वहाँ okay. एक्सट्रीम आप कह लें लेफ्ट की कुछ खातन थी कुछ बीच की और हुँ. हम दो बंदे थे लिटरली इन दी एंड ना मुझे फील हुआ कि सब बातें एक ही कर रहे हैं लेकिन सबसे तो, पहले बात कितनी सक्सेस you know? बात है कि विमेंस डे पे आप पैनल पे थे अब आपको ये तो कैंसिल हो जाना चाहिए ये मुझे कैंसल मैं मजबूरी है मैं मैं माजरत करता हूं उसके ऊपर बट यू नो अब एक एक सेंटर की बात हो मैंने वहां भी एग्जैक्टली ये बात की मैंने कहा यार आप ये क्यों कह रहे हैं अस वर्सेस देम लाइक ये क्यों और वो हर बंदे की मुझे पता है वो चल रही है ना दुकान चलाने को टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ वेरी इजी अब सैयद मुजम्मिल जो अपने जर्नलिस्ट हैं उनके साथ मेरा जो थोड़ा सा इख्तिला हाँ जी जी अब वो वही है कि वो एक एक बुरा कहना हर बंदे को ये भी खराब वो भी खराब कुछ भी नहीं हो सकता मर गए लुट गए हसन निसार मॉडल सारा वो बहुत ईजी है ना अब ये सेंटर ये। की बात करना दोनों को लाना ना आप उस साइड पर जा रहे हैं ना आप उस साइड पर जा रहे हैं बट इन एंड लाइक यू टू ना ओके Um, मेरा ख्याल है कि जब तक फेयर फाइट नहीं है ना फेयर आर्ग्यूमेंट नहीं है वो बहस करनी नहीं चाहिए मैं बताता हूँ क्यों अगर आप हैंडी कैप्ट हैं फॉर एनी रीज़न राइट तो आप जब उस बहस में शामिल होते हैं सो यूर नॉट बेस्ट एबल टू रिप्रेजेंट योर आइडियाज़ नंबर वन महरब का जो लिबास है जो उड़ना बिछोड़ना है वो ऑलरेडी एटी परसेंट पाकिस्तान को एलिनेट कर देता है सो ही इज़ नॉट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट आर्ग्यूमेंट नंबर वन नंबर टू ही डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी ऑफ एथियस्टिक मोरालिटी एंड आई डोंट थिंक इट्स सेफ फॉर और किसी के लिए भी पाकिस्तान में कि कब होगी hmm. और कैसा साहब कहते हैं कि मुझे फौज पसंद है वो कहते हैं मुझे फौज नहीं पसंद hmm. वो बहस होनी चाहिए। तो sure. जब जमुरियत नाफज होगी तो फिर पता चलेगा वहां क्या चाहती है ठीक hmm. वो डिबेट सुनने का जो मजा आया था वो ये था मैं और आप जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स में गैप्स थे थ्रू आर इंटेलेक्ट तो कवर कर सकते हैं आम बंदा नहीं कर सकता बिकॉज वी नो मेहरब का एथियस्टिक वी नो कैसर का रिलीजियस एनालिसिस क्या है कैन बी इंटरेस्टिंग बट एज अ प्रोडक्ट टू ए ले परसन मैसेज इट इज डिफिकल्ट एंड दर्पज इज के जहन साजी आम बंदे की हो मेरी और आपकी जहन साजी तो हम कैमरे बंद करके दूसरे कर लेंगे hmm. कैसर भाई कर लेंगे ऑल्सो hmm. मैं कौन सी बाबता हूँ के सही आइडिया साउंड रिडिकुलस जब वो कहता है रीजन बी व्हाट वो कहती है आपके लिए कहती है मेरे लिए कहता ही है देखिए मेरी चॉइस है यू कैन नॉट फोर्स ऑफ कोर्स योर ओपिनियन ऑन मी मैं आपको कहता ही कहूंगा बिकॉज मुझे लगता है कि कोई ऐसा दीनी डॉक्टर नहीं है कि मैं आपको कहती ही कहूं। आपको इसमें तकलीफ है आप मुझे जो मर्जी कहें नो प्रॉब्लम मैं आपको उसको पाबंद नहीं करता बस मैं समझता हूँ कि मैं लिबरल लोगों से ज़्यादा लिबरल हूँ जो मर्जी को कोई दिक्कत नहीं मैं जो मर्जी को कोई दिक्कत नहीं मैं इंटरफेयर ना करो दूसरे काम में तो महरब जब कोई भी ओपिनियन देता है वो इतना एक्सट्रीम फिजिकल अपेरेंस लेके अपना आता है कि वो आटोमेटिक उस ओपिनियन की वैलिडिटी केल कर देता है ठीक या तो वो वेट करे पचास साठ साल के माशरा इतना एडवांस हुए कि फ़िज़िकल अपेयरेंस मैटर ना करे और गुफ्तु सिर्फ मैटर करे तो ये एक रियलिटी आप एग्जिस्ट करते हैं अगर मैं यहाँ पर उठ के आ जाऊँ ठीक है मेरे कपड़े फटे हुए हों हर चीज़ उजड़ी पुजड़ी हुए तो आपके आर्गूमेंट का मेरिट खत्म होते जाता है ये एक रियलिटी है ठीक है हजम जब मंबर पे बैठते थे तो एक तरीके से बैठते थे, थे जब खलफा राशद मंबर पे बैठते थे एक तरीके से बैठते थे आवाज़ बुलंद होती थी एक रोब दबदबा होता था हर चीज़ बेहतर हालत में होती थी तो ये हमारे नबी की सुन्नत है ठीक कि आप गुफ्तु कर रहे हैं बयान दे रहे हैं तो एक तरीके से डिकोरम में थे आप किसी भी बड़े स्कॉलर को मिले प्राइवेट लाइफ में बहुत धीमे मेंबर है बैठ के और ही तरीके से या खादि हुसैन रिजवी साहब से मिला था जब वो बयान देते हैं तो उनका जोश और वरवला और बीपी आसमान आसमान उनको हंड्रेड परसेंट बी था उनको नहीं पता था उनके यकीन है कि उनका अनडाइग्नोज था बी पाकिस्तान में एक कॉमन प्रॉब्लम है कि ब्लड प्रेशर को सीरियसली नहीं लिया जा जाता जब तक कोई वो बड़ा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे लेकिन जब हमको आम जिंदगी मिले तो मेरा ख्याल बिल्कुल आराम से एक बंदा बस बैठा हुआ है बिल्कुल बूढ़े बबे हैं ही नहीं तो एक नबी की सुन्नत है तो उस सुन्नत को मद्देनजर रखते हुए मेहर बेस्ट सूटेड नहीं है वही बहस आप शहजाद से करवा लें जो बिलीव करता है सेकुलर डेमोक्रेसी के अंदर या मुजम्मिल शाह से करवा लें तो आप देखें कि बहस का मैार उठ जाएगा कैसर साहब मजबूर होंगे बहस का लेवल उठाने के लिए कैसर साहब बहस उनको पता था बहुत आसान है करना

वो एक चलें अलग डिबेट है बट मुझे आप ये बताएं अभी न्यू ईयर आया वो निकल आया कागज़ गवर्नमेंट से कि जी नहीं होना कुछ भी यहाँ से लोग गए दुबई जाके सारों ने पार्टी की सारा वो देखा वाई आर वी फोकसिंग ऑन एक तो बैनिंग वाली मतलब जो एक एक साइट इसको करें 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 वो ज़रा आपने बहुत वीडियोस की अगेन वो बड़ा सब्जेक्टिव है कि जी आ, लोगों का रिस्क लगा हुआ है ये वो सारा बट उससे भी ज़्यादा अगर हम और ऊपर आए थोड़ा सा कि हमें स्टेट लेवल के ऊपर से क्यों कोई रिस्पॉन्स जो एक, एक होता है ना जो हक अदा करने वाला रिस्पॉन्स होता है वो हमें क्यों नहीं नजर आया और हमने देखा कि Uh, हमने 67 के अंदर जब बेजराइल जंग हुई तो हमारे फाइटर पायलट्स थे उनमें से एक फाइटर पायलट जो थे उनके साथ हमने एक्सक्लूसिव एक टीसीएम के ऊपर सीरीज भी की अब उनकी स्टोरी वाज मतलब इट इट वाज जस्ट लाइक यू नो एंड आई वाज लाइक यार वो फौज भी वही है Uh, शायद अभी ज़्यादा जवान घबरू होंगे वो तो और ज़्यादा कि यार बताएं ना करना क्या है बट वहाँ हमने राहल शरीफ साहब का भी जिक्र जैसे पहले भी किया कि उनको उनकी तरफ से भी उनकी चले पर्सनली नॉट कि वो उन्होंने अच्छा वो करें बट ज़रा उम्मत की तरफ से कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं आया देखें होता क्या है कि इंसान ना जो कंज्यूमर कैपिटलिज्म है वो आपको दुनिया में अकेला कर देती है और आप ही जजीरा बनते जाते हो अपने घर बैठे बैठे और ये कप ये माइक ये ऐनक और ये सारी दुनिया की चीज़ें आपकी कुल कायनात हो जाती हैं और ये उनका तोड़ है हर माशरे का पाकिस्तान में भी यही हुआ है मेरी लैंड क्रूज़र मेरे लिए मैटर करती है मेरा रिश्तेदार जो भूख से मर रहा नहीं करता तो पहले उन्होंने आपको फैमिली लेवल पे ब्रेक डाउन किया उम्मत तो बहुत दूर है ठीक फिर आपने बात किया सरकार का अल्लाह मुआवजे करता है इंसान पहचान नहीं पाता इमरान खान को निकाला एक मुआवजा हुआ बेनकाब हुई चीज़ें आवाम के लिए फ़लस्तिन की जंग होगी हमास ने हमला कर दिया उसके जवाबी कार्रवाई होगी एक और मुआवजा हुआ कि पूरी दुनिया का सिस्टम बेनकाब हो गया लेकिन वो पहले भी तो हुआ हुआ था ना नहीं मैं आपको बताता हूँ सर अल्लाह ने देखे ना आखिरी जंग हुई थी चौदह में ठीक है तो उस वक्त वो एक्सेस नहीं था जो इस वक्त आ रहा है ठीक डिफरेंस तो है लेकिन इतना एक्टिवली और ये इवेंट्स बैक टू बैक हुए पाकिस्तान की हम बात करें बैक टू बैक हुए अल्लाह मुआजे करता है पहचानने इंसान ने होते लेकिन अगर आपको डल कर दिया जाए आपके दिमाग को डल कर दिया जाए आपको इम्बाइब कर दिया जाए उस खुराक से जो आपकी इंसानियत मारती है तो फिर आप ये पहचान नहीं सकते सरकार भी पाकिस्तानी है वो बारोनी आए साढ़े बिचों ही निकले ना उनको जागीरों से आगे नज़र नहीं आता उनको तो ये भी नज़र नहीं आता कि मारंग बलोच कौन है कहाँ से आई अब उसके बरक्स रसानी साहब जो हैं वो कहाँ से आए उनको ये नज़र नहीं आता मंजूर पश्तीन कौन है उनको ये नज़र नहीं आता कि सनम जावेद कौन थी एक औरत जो कभी कोयटा गई नहीं उसका कोयटा के परचे में नाम आ गया कि वहाँ मर्डर हुआ हैदीजय शाह उनको ये नहीं नज़र आया कभी कि जो बेनज़ीर को मारा गया उसकी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट ही नहीं आ सका आज तक ठीक है वो ये नजर नहीं आती चीजें तो जो चीज पांच हजार किलोमीटर दूर हो रही है वो कैसे नजर आएगी और सोने पे सुहागा इब्राहिम अकॉर्ड्स क्या है अकॉर्ड्स सुलह है कि हम रजू फरमाते हैं मुस्लिम मुल्क हमने आपको तस्लीम किया आपकी मेहरबानी एरिया गुंडा है पाकिस्तान उसको कंट्रोल करता है साउथ जब साउथ इब्राहिम अकॉर्ड बना रहा है तो पाकिस्तान जो बैठ हमास ने जो हमला किया है ना अगर आप जियोपॉलिटिकली समझे उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी पोस्ट एब्राहाम अकॉर्ड फिलिस्तीन फिनिश्ड वो यार वो नहीं होता हेल मेरी को कोई ऑप्शन नहीं है अब मार देख लीजिए नहीं लेकिन उसमें चले सरकार हो गया सारा कुछ हो गया आवाम से क्यों नहीं आया नहीं मतलब हम सारे इंस्टाग्राम ज़हादी तो हैं ना या ट्विटर और ये वसारा बहुत मतलब मेरे ऐसी ऐसी दोनों लड़के लड़कियों दोस्तों ने ऐसी ऐसी मतलब रोज़ाना चार चार पोस्ट मैंने मेरे ख़्याल से बमुश्किल शायद पांच इंस्टाग्राम पे वो रीपोस्ट की होंगी हाँ। वो भी कोई ऐसी चीज़ जो मुझे लगा कि यार ये बहुत ज़्यादा हैं आप आ, और मुझे पता है हो रहा है अब मेरे पोस्ट करने से बट हाँ। हमने देखा है कि थर्टी फर्स्ट को मैं खुद निकला हूँ बाहर मैंने कहा मैं जरा देखूँ तो सही हो क्या रहा है सर फुल ऑन पार्टी थी

किसी ने ये नहीं कहा कि यार डी चौक पे यार चलो सारे उसकी वजह होना सर, कुछ भी नहीं था नहीं, नहीं होना कुछ नहीं, नहीं होता है होता है बट देखें ये हमें आपकी इस मैं दो में दो गुफ्तुआ है ना कि इंस्टाग्राम में पोस्ट लगाने से क्या होता है और ये क्यों नहीं हुआ जो आप, आप बात करें जी होता है इंस्टाग्राम में पोस्ट लगाने से बड़ा कुछ होता है मैं आपको समझाता हूँ प्रेशर क्या होता है प्रेशर क्या है कि मिलियंस का प्रेशर होगा तो गवर्नमेंट्स आर फोर्स टू एक्ट और होता है ये जो साउथ अफ्रीका केस लड़ रहा है जो दुनिया के मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं ये ग्लोबल प्रेशर है सर वो भी साउथ अफ्रीका लड़ रहे हैं हमारे मुस्लिम नहीं, काम मरे हुए हैं नहीं नहीं उसके 42 टू सिग्नेटरीज पाकिस्तान भी है वो फाइनेंस कर रहे हैं है। वो ऐसे नहीं कि पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया बिल्कुल हम ऐसी बात नहीं करते लेकिन जो करना चाहिए था जो हक है वो तो नहीं किया वो ब्रीड है ये प्रेशर क्रिएट करते हैं इस वक्त आप कोई भी रैली करके दिखाएं तो बंद कर दीजिए क्यों एक फियर है इस्टेब्लिशमेंट को कि कोई भी रैली ऑफ सडन एंटी इस्टैब्लिशमेंट रैली ना बन जाए तो शुरू में जो ये निकले थे बिल्कुल जो फ्रेश फ्रेश समाज वाला नहीं, नहीं, हुआ था बंदे चुके गए थे ठीक है तो ये एक फनली इनफ कोंसिडेंस है एक ओवरलैप है जिसकी वजह दूसरी वजह मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि भाई पचास साठ सत्तर सौ साल की जहन साजी होनी है पचहत्तर साल लिबरल डॉक्टरें तुन्नी गई है लिबरल मीडिया तना गया है और उसका रिजल्ट यह है कि आज कोई कौम नहीं है तो यानी कि वो एजेंडा तो फेल कर गया अब मैं आपको कह रहा हूँ कि पहली दफ़ा इंटरनेट की बदौलत कौम की जहन साजी दीन की तरफ हो रही है इतने इंस्टाग्राम पोस्ट दो हज़ार चौदह में क्यों नहीं लगे इंतफादा तब भी हुआ है इतना शोर पहले नहीं मच जितना इस दफा मच रहा है क्यों कौम को फाइनली एक्सेस है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ जो पहले नहीं था कॉम को है हर स्कॉलर के साथ मसल आप मुफ्ती सुन ले, मुफ्ती तारिक मसूद सुन लें इंजीनियर लेंट में कोई है सुन ले। आप डॉकर नायक सुन लेंग्जिट नहीं करता था डॉक्टर जाकिर नायक पी टी वी पर आते थे फिर इंडिया ने बैन कर दिया तो गायब हो गए फिर रीमर्ज किए जब इंटरनेट तेज हुआ तो वह चेंज आता आता आएगा लेकिन आप इकतीस दिसंबर को देख रहे हैं इस्लामाबाद लाहौर कराची आप 31 दिसंबर को बाकी पाकिस्तान घूमें तो वहाँ तो कोई न्यू ईयर नहीं होता पाकिस्तान इज नॉट द मेट्रोपलस नंबर वन और मेट्रोपलस की जो इकोनॉमिक्स और डायनेमिक्स होती है वो डिफरेंट होती है दुनिया भर में लार्ज सिटी स्टेट्स फेल कर गए जो न्यूयॉर्क का मेल्टिंग पॉट है फेल कर गया लंडन फेल कर गया कराची फ़ेल कर गया दीज आर नॉट सस्टेनेबल एंड फीजेबल एट ऑल तो यहाँ पे कोई मनोलिथ कल्चर नहीं एग्जिस्ट करता जितने लोग इकतीस पे पार्टी करने को निकलते हैं उससे ज़्यादा लोग घर पे बैठ के दुआ कर रहे होते हैं फ़लस्तियों के लिए इस्लामाबाद में भी लाहौर में भी उससे ज़्यादा लोग पैसे भेज रहे होते हैं फ़लस्तियों के लिए और अगर हम कह सकें कैमरे पर उससे ज़्यादा लोग ईजट पहुँच जाते हैं वो नज़र नहीं आता दिखाना मेरा और आपका काम है आप सो कवर करें आप इजिप्ट का जो लोग बॉर्डर पे काम करें कवर करें आप अल आपने खिदमत का इंटरव्यू किया था नहीं टी वी टी ने किया था फलस्तीन के हवाले से ने भी किया उनके फलस्तीन के हवाले से, से पहले हमने है, 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 आ, वो उन्होंने फलस्तीन के हवाले से किया था आप उनसे पूछें उन्होंने वहां काम क्या किया आप जमात से पूछें क्या काम हुआ है पूछें ये बातें करें उनको हाईलाइट करें पुश करें जब ये मामला शुरू हुआ तो हमारा चैनल एकदम से चेंज कर गया उसकी बुनियादी वजह है कि उम्मत प्रिस करती है नेशन स्टेट नेशन स्टेट रेलिवेंट है ये उम्मत का मसला है ये बिल्कुल आपको दुनिया बताना चाहिए कि ज़मीन का मसला है ज़मीन का नहीं मसला भाई ये उम्मत का मसला है कि मुसलमान एक जगह रहते हैं एक कौम उन पर मुसलत की गई है उनको बाहर धक्के मार के निकाल रहे ये नहीं हो सकता ठीक है नहीं जी हाँ और हमें सही ताने पड़ते हैं बलोचिस्तान के बिल्कुल सही पड़ते हैं कि वो भी तो मुसलमान हैं ना हमें सही ताने पड़ते हैं अफगानिस्तान के लेकिन माजी की गलतियों की वजह से आज तो रुजू फरमा लो आज तो सराते मुस्तकीम पे आ जाओ या माजी में ही डूबे रहोगे आपने माजी में गलतियाँ की आप इंसान हैं मैंने भी की हैं अगर मैं उसी दुख में बैठा रहूँ तो मैं तो बेहतरी कर ही नहीं सकता ठीक है ये नहीं हो सकता माशरे में अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं फाइनली वो लोग सामने आ रहे हैं अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं और मुझे नज़र आ रहा है कि वो इकट्ठे भी हो रहे हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमारी आखिरी पॉडकास्ट पे हुई थी कि इमरान खान की जो पॉपुलिस्ट वेव है उसमें इस वक्त कौन कौन शामिल है ठीक है उसमें इस वक्त हर वो शामिल है जिसको ये नहीं पता इमरान खान का फलसफा क्या है जिसको तकलीफ है कि माशरे में क्या हो रहा है और हमारे साथ किया क्या जा रहा है इस वक्त वो पार्टी प्राइम है टेक ओवर के लिए ऑफ ट्रू थाट ट्रू फलसा खान साहब नहीं वो फलसफा देशते क्योंकि उनका वो फील्ड नहीं है तो वो ट्रू थाट और फलसफा किसने देना है वो लोग जो वो आइडियल्स एस्पाउज करते हैं उनको समझते हैं और वो लोग फाइनली आगे आ रहे हैं वो बात कर रहे हैं वो हामी भर रहे हैं इसलिए इमरान ख़ान के गुब्बारे में हवा बहुत स्पीड से भर रही है ठीक है ये वही हवा थी जो नवाज शरीफ गुब्बे में भरनी थी लेकिन वो इन नहीं लगे? ये मेरा कोई सूर्त नहीं ना मैं तो नहीं भेजा सी ठीक है खान साहब इधर ही हाँ जिस दिन खान साहब डील करके बाहर आएंगे हवा निकल जाएगी डू सी पाकिस्तान इन या वेटी थर्टी कुछ भी like नहीं पाँच uh, साल बाद में फिर सैटेलाइट स्टेट रहेंगे हमें कुछ भी नहीं होगा ये जो लोग कहते हैं ना कि वो हो टोटे हो जाएंगे कुछ भी नहीं सैटेलाइट स्टेट हैं हम डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं हमारी इकोनॉमी डिफरेंटली ऑपरेट करती है मैं ये देख रहा हूँ कि हमास वाली जंग सेटल होगी सेटल होने के बाद एब्राहम अकॉर्ड्स रिज्यूम होंगे पाकिस्तान बहाल करेगा ये सारे मामला अपने इसराइल के साथ और वो पैसा आना शुरू हो जाएगा दोबारा दैट इज़ द लास्ट एक्सेप्टेंस ठीक है आ, ये गवर्नमेंट करेगी अवाम क्या करेगी वो डिफरेंट स्टोरी ऑलटगेदर है ठीक है आइडियली वट डू आई विश क्या होता है आई विश के ये जो बॉर्डर आपके ईस्ट वेस्ट पे सारे खुल जाएँ ये पूरी उम्मत एक हो जाए यहाँ पे फ्री ट्रेड हो जित मर्जी लोग आए घूमें जितना तक ई हुए मेरी तो ये विश है ठीक है कि ईस्ट बांग्लादेश को शामिल कर लें ऊपर भूटान मलेशिया भी डालें ये सब एक गेट बन जाए हम तक नहीं। नहीं। नहीं कबूल को रही है अब दोनों नहीं आई थिंक मतलब अभी तक एम्बेसर भेज दिया अपना हाँ नहीं देखिए गवर्नमेंट तो अभी तो इंटरन गवर्नमेंट है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो हम उससे ये बहस करेंगे मैं तो काकड़ साहब को समझता हूँ वो कमेडियन है वहाँ जोक्स करते हैं चले जाते हैं उनकी कोई वक़्त हैसियत नहीं मसल कानून ये कहता है कि वो कुछ कर नहीं सकते मास व इलेक्शन फैसिलिटेट तो जो भी कर रहे हैं मैं क्या उस पर तबसरा करूँगा तुम भाई ये रेलिवेंट बंदे हो जब अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा तो फिर तब उसे डंडे मारेंगे कि भाई क्यों ये बॉर्डर नहीं खोल रहा क्यों नहीं हम उनसे सुलह कर रहे क्यों नहीं हम हमारा ट्रेड खोल रहे लॉर्ड माइल्स का पता है आपको लॉर्ड माइल्स एक पच्चीस साल का ब्रिटिश गोर है जो आई की पैदावार है यानी कि इन इनवीटर फर्टिलाइजेश मांग ने कराई लेट एज में वो पैदा हुआ और फर्नीचर में सारी जिंदगी गुजारी है वो तालिबान गवर्नमेंट से निगोशिएट करके एक गोल्ड माइन का ठेका ले रहे अफगानिस्तान में जी ढाई सौ या तीन सौ मिलियन डॉलर की रेवेन्यू है तीस या पैंतीस मिलियन डॉलर का ठेका मिल रहा है तो यहाँ पे लोग स्टूपेड हैं। वो इंग्लैंड से कर रहे हैं स्टूपेड है

ये इनको मैं जेनली बिलीव करता हूँ ये ऐसे नहीं है कि ये कोई आपको आ, दिखावे के लिए हो रहा है बाकी बहुत शुक्रिया आपका नहीं, नहीं थैंक यू ठीक है और बहुत कुछ हमने यहाँ की पॉडकास्ट से सीखा है लेकिन हम बताएंगे नहीं क्या थैंक यू सो मच